अभी तो असली उड़ान बाकी है परिंदे का बाकी है अभी अभी तो लांगा है समंदर अभी तो पूरा आसमान बाकी है गुड मॉर्निंग टू टू ऑल ऑल ऑफ यू यू वेलकम नर्सिंग नर्सिंग वाला वाला पे आपका बहुत 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 स्वागत है इस महा मैराथन सीरीज में सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है तो एक बार जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे ऐसे कैसे क्लास कैंसिल हो जाएगी क्या बात कर दी आपने यार क्या बात कर दी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और वेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बातें करते हो आप इससे ये पता चलता है कि आप बहुत बात करते हो ग्रुप में वेलकम यू ऑल टू दी डब्ल्यू नर्सिंग वाला तो आपको जैसे कि पता है आज हमारा महा मैराथन सीरीज है ठीक है और महा मैराथन सीरीज में आपको सब्जेक्ट में दिख रहा होगा मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग का आज पूरा पूरा जो भी आप नॉर्थ सेट सिक्स के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इस सब्जेक्ट से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा तो आज की क्लास में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना है अगर आप चाहते हो पूरे एमसी पूरे ओबीजी को रिवाइज करना वो आपके इस मैराथन नहीं महा मैराथन के अंदर रिवाइज करवाया जाएगा तो सबसे पहले इसके नियम को जानना है कि किस तरह की से क्लास होगी क्या हमारा वे रहेगा कैसे हम गोल सेट करेंगे जिससे हम पूरे को इतने और बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे अगर आप चाहते हो ओबीजी को अपने टिप्स पे करना क्योंकि अभी तक सिर्फ आपने थ्योरी पढ़ी है सिर्फ और सिर्फ थ्योरी चाहे वो आरोग्यम बैच हो चाहे वो आयुष्मान बैच हो चाहे वो नाइटिंगल बैच हो चाहे वो नाइटिंगल रेगुलर बैच हो सब जगह सिर्फ आपने थियोरी पढ़ी है लेकिन आज का ये एमसीक्यू सेशन आज का ये महा session, का आपको पूरा जो है वो घुमाएगा और मजा आ गया क्या बात है आग लग गई बिल्कुल ग्रुप में ठीक है तो आज की क्लास का हम रूल बताते हैं किस तरह से क्लास में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और ये फिफ्टी या हंड्रेड क्वेश्चन जो भी ओबीजी का करवाया जाएगा उसमें आपकी क्या स्कोरिंग है आपकी क्या रैंकिंग है जरूर से जरूर जानना है सबको क्या सब रेडी है यस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलो जीतेंगे हम ये वादा करो कोशिश हमेशा ज्यादा करो किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे मजबूत इतना इरादा करो इसी इरादे के साथ हम अपने ओबीजी की क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता दू इस महा मैराथन के बारे में मैराथन का जो ये सीरीज हमने स्टार्ट किया है स्पेशली फॉर द नॉर्थ सेट एस्पिरेंट्स जो भी नॉर्थ सेट का एग्जाम लिखने जा रहे हैं फोर्टीन अप्रैल को फोर्टीन अप्रैल को और उसमें सारे सब्जेक्ट को यहाँ पे रिवाइज करवाया जाएगा आज की क्लास ओबीजी की होने वाली है और ओवीजी के इंपोर्टेंस आपको पता है अभी जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है 80 आने वाले, है, के. 80 के आने वाले है, हैं नर्सिंग के उसको हम रिवाइज करेंगे यहाँ पे पूरा क्लास जो है वो एमसीक्यू के फॉर्म में करवाऊंगी अभी तक आपने थ्योरी बहुत ज्यादा पढ़ी है और इस थ्योरी को क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे अप्लाई करना है इस ऐसा नहीं है मैं थ्योरी नहीं बताऊंगी सारे पॉइंट्स कवर करवाऊंगी क्योंकि लास्ट टाइम पे ना तो आप एमसीक्यू उसको पढ़ पाते हो उस धुक धुक के चक्कर में और ना ही थ्योरी को पढ़ पाते हो ठीक है तो ये दोनों ही रिवीजन होगा थ्योरी प्लस एमसीक्यू का एक कॉम्बो रिवीजन एक कॉम्बो रिवीजन इस क्लास में होने वाला है तो पता चल गया महामैराथन में क्या होगा भाई OVG की क्लास है की क्लास में प्लस को, को आज के पहले क्वेश्चन के साथ और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हो ये क्लास के लास्ट में जो भी नोट सेट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्लास में कवर करवाऊंगी ये लास्ट में नोट डाउन करवाऊंगी कि हाँ ये मैंने आज की क्लास में आपको करवा दिया है ये सबसे लास्ट में आपको करवाया जाएगा चलो तो इंतजार खत्म करते हुए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है प्रीलिम्स का का पहला क्वेश्चन ओबीजी स्क्रीन पर आपके सामने है सबको करना है मिलेगा तो तैयार रहना इसके लिए चलो भाई स्टार्ट करते हैं एक्सपल्सन ऑफ ग्रेप लाइक द डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी हाइड्रेटिव फॉर्म ऑल

टेन सेकेंड लेफ्ट फास्ट 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 वेरी गुड वेरी गुड चलो टाइम खत्म हो गया है आंसर देखते हैं आंसर देखते हैं नाइनटी एट परसेंट स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर किया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे स्टोरी बुक भट्ट और देवी ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे है चलो देख लेते हैं सबसे पहले आपको एक इमेज दिखाया गया है आप सब देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पर आपके सामने क्या है एक इमेज दिया हुआ है और यहाँ पे ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है यहाँ पे लिखा भी है क्वेश्चन के अंदर एक्सपल्सन ऑफ द ग्रेप लाइक वेसिकल्स और ये ग्रेप लाइक -like वेसिकल्स को दिखाया भी गया है कि इस टाइप का वेसिकल्स आपको दिखेगा यहाँ से दो चीजें स्ट्रॉन्ग होती है एक तो ये कि एग्जाम में डायरेक्ट अगर इमेज आ गया तो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या है ये हाइडेंटी फॉर्म मोल है ये ग्रेप लाइक -like वेसिकल्स है जो ब्लीडिंग के साथ वेजाइना से बाहर आता है थ्रो द वेजाइना किसका डायग्नोस्टिक फीचर है

किसकी प्रॉब्लम है हाइड्रेटिव फॉर्म मोल किसकी प्रॉब्लम है जल्दी बताएंगे फॉर्म मोल में किसकी प्रॉब्लम हो जाती है डियर ठीक है और इसको अगर आपने टाइमली ट्रीट नहीं किया तो यही किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉरियोन कार्सिनोमा कॉरियोन कार्सिनोमा कॉरियोन कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाएगा तो कि प्रॉब्लम किसकी होती है प्रॉब्लम किसकी होती है यहाँ पे कॉरियोन में प्लेसेंटा में कॉरियॉन की प्रॉब्लम होती है प्लेसेंटा में जो कॉरियोन होता है उसकी प्रॉब्लम की वजह से ये डिजीज फीमेल में होता है समझ में आ गया आपको मोलर प्रेगनेंसी में पार्शियल मोल और कंप्लीट मोल मैंने बताया है जो पार्शियल मोल होता है इसमें फीटस का पार्ट प्रेजेंट होता है फीटस का कुछ पार्ट प्रेजेंट होगा और कंप्लीट मोल में फीटस का कुछ भी पार्ट नहीं होता फीटस पार्ट एबसेंट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर सुनो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेजाइना के साथ ब्लीडिंग के साथ ग्रेप लाइक -like क्लस्टर का अपीयर होना याद रखना है एस सी जी का लेवल क्या होगा बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा इसके साथ साथ अगर हम अल्ट्रासाउंड करें यह भी एम्स का आया हुआ क्वेश्चन है बिल्कुल लास्ट टाइम पे वो चीजें करेंगे जो ऑलरेडी पढ़ा है अच्छे से टिप्स पे करना है अल्ट्रासाउंड में हम स्नो स्टॉम अपीरियंस देखेंगे स्नो स्टॉम

अगर मैं इस अल्ट्रासाउंड को देखूं तो इसमें मुझे फीटस का कोई पार्ट दिखाई नहीं देता है इसका मतलब ये क्या है कंप्लीट मोल कंप्लीट मोल याद रखना कंप्लीट मोल के अंदर ही हमें क्या दिखाई देता है डियर स्नो स्ट्रॉम एपीरियस ये छोटी छोटी सी गलती आपको एग्जाम में बहुत भारी पड़ सकती है तो इसलिए ये छोटी छोटी चीजें याद रखना कंप्लीट मोल के अंदर हमें क्या दिखता स्नो स्ट्रॉम एपीरियंस क्या दिखता है स्नो स्टॉम अपीरियंस हमें दिखता है लेकिन यहीं पे क्वेश्चन अगर partial mole का होता, partial mole के अंदर हमें अपीरियंस नहीं बल्कि ऐसा अल्ट्रासाउंड में इमेज दिखाई देता है जैसे इनकम्प्लीट एबोशन के अंदर होता है जैसा इनकम्प्लीट एबोशन के अंदर होता है याद रहेगी बात कि अगर पार्शियल मोल के अंदर अगर पार्शियल मोल के अंदर अल्ट्रासाउंड करें तो हमें इमेज कैसा दिखाई देगा जैसा इनकम्लीट एशन में दिखाई देता है कुछ पार्ट अंदर और कुछ फीटस का पार्ट पार्ट बाहर क्यों ऐसा दिखाई देता है क्योंकि पार्शियल मोल मोल में में फीटस फीटस के कुछ पार्ट बन जाते हैं जबकि कंप्लीट का कोई भी पार्ट नहीं होता इसलिए पूरा कैसा दिखाई देता है स्नो अपीरियंस और ये मैंने भेजा है ये मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में दिखा दिया था ये क्या है आपका लाइक स्ट्रक्चर लाइक स्ट्रक्चर क्लियर है और ये जो वेसिकुलर मोल है ये जो वेसिकुलर मोल है ये आपका याद रखना है फीचर के अंदर सेंड जब भी हम क्या करते हैं इसके ट्रीटमेंट में पूछा जाए ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे डियर तो हम एज सुन एज पॉसिबल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करते हैं क्या करते हैं डियर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इसका ट्रीटमेंट यही है कि जितनी जल्दी आपको पता चले आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दो वहीं पे एंड कर दो और सेंड द टिश्यू फॉर सेंड द टिश्यू फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन सेंड द टिश्यू फॉर द हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन ये एक इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक

ऑन द फिगर डायग्राम सबको दिख रहा है इमेज सबको दिख रहा है आइडेंटिगर सर्विक्स एंड यूट्रस इमेज रखा गया है कि लास्ट टाइम पे जो भी चीज हमारा माइंड पिक्चर के फॉर्म में ज्यादा कैच करता है तो ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए चलो भाई आंसर सबको करना है आंसर सबको करना है पोलिंग स्टार्ट कर दिया है ये आपको ए मार्क किया हुआ दिख रहा है तो आपको बताना है आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर मार्क्ड ए ऑन द फिगर रेक्टम विजाइना सर्विक्स और यूट्रस एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है भाई साहब गलत नहीं होना चाहिए यहां से एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है फास्ट 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 तो राइट आंसर देख लेते हैं कितने बच्चों ने सही आंसर किया है इस डायग्राम ये इमेज कभी नहीं देखा आपने ये इमेज कभी नहीं देखा ये क्या है यूट्रस ये क्या है ये यूट्रस आपको दिख रहा है और ये क्या है इसका ये वाला पार्ट जो नीचे दिखाया गया ये वेजाइना है ये वेजाइना है ये वे ये जो दिखाया है लेबिया मेजोरा है ये इमेज ही नहीं देखा और यही इमेज पूछा जाता है एम्स के अंदर कोई भारी भरकम क्वेश्चन नहीं आता सब कुछ आपके सिलेबस से ही आता है ये आपका ब्लैडर है ये क्या है? ब्लैडर है इसकी मैं बात करूं तो ये रेक्टम है ये रेक्टम है और आपको ये पूछा गया कि आप एक आंसर करो भाई ये क्या है ये सर्विक्स है ये कौन सा पार्ट है यूट्रस का जो लोअर वाला ये वाला पार्ट होता है इसी को तो पूछा है ये क्या है ये सर्विक्स है क्या है सर्विक्स है तो राइट right आंसर क्या जाएगा इस क्वेश्चन का सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सिर्फ इमेज को आइडेंटिफाई करना था कि ये यूट्रस है यूट्रस के अगर मैं देखूं लेफ्ट साइड में क्या होता है रेक्टम यूट्रस के राइट right साइड में एंटीरियर साइड में अगर मैं बात करूं तो क्या होता है ब्लैडर अगर इसके पोस्टीरियर साइड में मैं बात करूं तो क्या होता है रेक्टम और इसके बीच में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं पाउच ऑफ डगलस पाउच ऑफ डगलस क्योंकि पाउच ऑफ डगलस एंटीरियर में या फिर पोस्टीरियर में प्रेजेंट होगा बताओ जल्दी से कौन बताएगा सिंपल सा क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन है पाउच ऑफ डगल एंड कल्डोसेक पाउच ऑफ डगल एंड कल्डो सेट अगर मैं इमेज बताऊ आपको ये देखो ये पूरा इमेज आपके सामने बना हुआ इतना अच्छा सा बड़ा सा इमेज बनाया गया जिससे आप चीजों को अच्छे से याद कर पाओ और पिक्चर्स आपके माइंड में हमेशा कैच रहे कुछ बच्चे कह रहे फोस्टीरियर कुछ कह रहे हैं एंटीरियर <coughs> तो एंटीरियर में भाई ब्लैडर होता है एंटीरियर में क्या होता है ब्लैडर होता है और यहाँ पे जो sac होता है उसे हम क्या बोलते हैं बताओ वैसिको यूट्राइन पाउच इसी को इसको हम बोलते हैं पाउच है। है, उनका आंसर सही है यहाँ पे होता है, इसे हम बोलते हैं पूछा जाता है ध्यान देना ये जो पाउच ऑफ डगलस है इसी को बोला जाता है कर्डी सेक क्या बोलते हैं हम कल्डोसेक बोल लो कल्डी सेक लो जब किसी फीमेल को क्या होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी

और ब्लीडिंग सारा का सारा कहां पे प्रेजेंट होगा इस पाउच ऑफ डगल करते हैं जब हम कल्डो करते हैं, तो इस कल्डो के अंदर हमें क्या दिखाई देता है डियर ब्लड प्रेजेंट होता है एंड इट इंडिकेट इट इंडिकेट ये किस चीज को इंडिकेट करता है या या फिर aborted, ectopic pregnancy. या फिर aborted,

प्रोस्टेट ग्लैंड इज होमोलोगस टू बार्थोलिन ग्लैंड काउपर्स ग्लैंड स्टीनिज ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल बहुत सिंपल क्वेश्चन है सबको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कमेंट बॉक्स में आंसर सबको करना है फास्ट फास्ट फास्ट, फास्ट। चलो स्टार्ट कर दी मैंने पोलिंग अब करो कमेंट फास्ट कमेंट करना है सबको धड़ाधड़ धड़ाधड़ थर्टी सेकेंड के अंदर सौ so क्वेश्चन जब एग्जाम में आए ना तो यू चुटकी बजाते ही आप सारे क्वेश्चन को करो लेकिन धैर्य रख के पेशेंस के साथ हबड़ तबड़ में गलती मत कर लेना प्रोस्टेट होमोलोगस चलो बहुत बढ़िया टाइम खत्म हो गया है देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट right आंसर कितने बच्चों ने किया है सेवेंटी नाइन परसेंट स्टूडेंट ने सही आंसर किया है सेवेंटी नाइन परसेंट स्टूडेंट ने सबसे फास्ट आंसर विशाल निशा और दीक्षा देख लो नीचे चलते जा रहे हो आप लोग प्रोस्टेट ग्लैंड कहा किसमें होता है मेल में या फीमेल में भाई साहब प्रोस्टेट ग्लैंड होता है मेल में और आपसे पूछा है कि इस प्रोस्टेट ग्लैंड को अगर हम कंपेयर करें फीमेल के अंदर तो ये होमोलोगस किसके होगा तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में टर्म दिया है होमोलोगस उसको समझना होमोलोगस का मतलब क्या होता है स्ट्रक्चर सेम बट फंक्शन डिफरेंट क्या होता है इसका मतलब सबसे पहले मीनिंग समझ लो इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर तो सेम है बट फंक्शन डिफरेंट लेकिन दोनों का काम क्या है डिफरेंट है तो ऐसे कौन से स्ट्रक्चर फीमेल में है जो मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड के कंपैरिजन में सिमिलर है तो हम बोलते हैं फीमेल के अंदर होगा स्कीनिज ग्लैंड क्या होगा डियर स्कीनिज ग्लैंड फीमेल के अंदर जो ग्लैंड होता है वो मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड के होमोलोगस होता है और स्कीनिज ग्लैंड को और क्या बोला जाता है

मेल के अंदर अगर मैं बार्थोलिन ग्लैंड से रिलेटेड बात करूं कि ये ग्लैंड मेल में कंपेयर करें तो किसके होमोलोगस होता है बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में याद रखना क्योंकि तो कभी कभी एनाटॉमी में से यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बार्थोलिन ग्लैंड इज होमोलोगू बार्थोलिन ग्लैंड इज होमोलोगू काउप ग्लैंड इन मेल काउपर्स ग्लैंड इन मेल के काउपर्स ग्लैंड के होमोलोगस होता है और इस काउप ग्लैंड को ही बल्बोथ ग्लैंड बोला जाता है भाई साहब इसी को क्या बोला जाता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इसी को बल्बो ग्लैंड बोला जाता है और फीमेल के अंदर इस ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है तो इसे बोला जाता है ग्रेटर वेस्टिबुलर वेस्टिबुलर ग्लैंड ये का सबसे ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड होता है ये क्वेश्चन आया हुआ है और स्टार मार्क करके इस पॉइंट को याद रखेंगे ये क्या है आपका ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड और जब भी बार्थोलिन का सिस्ट होता है याद रखना जब भी फीमेल को बार्थोलिन का सिस्ट होता है इसका मोस्ट कॉमन कॉज पूछा जाए तो वो क्या होता है इन्फेक्शन हो गया और फीमेल का ग्लैंड ग्लैंड जो डक्ट के मान लो ये है पी शेप का होता है डक्ट के थ्रो अपना सिक्रीशन करता है यहाँ पे कोई ब्लॉकेज हो जाए यहाँ पे कोई ब्लॉकेज हो जाए तो इसका क्या हो जाएगा स्वेलिंग हो जाएगा बार्थोलिन ग्लैंड क्या हो जाएगा स्वेल हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से और ये कैसा फील होगा फीमेल को बहुत ज्यादा पेन फील होगा तो क्लिनिकल फीचर में मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर की बात करूं तो ये पेनफुल होता है पे प्रेजेंट होता है प्रेजेंट ओवर आपको पे दिखाई देगा लेबिया माइनोरा के ऊपर और इसमें अगर सर्जरी पूछा जाए क्या करते हैं हम सर्जरी क्या करते हैं तो बोलोगे मार सुपेलाइजेशन मार सुपेलाइजेशन करते हैं कट लगाते हैं और सिस्ट को वहां से रिमूव कर देते हैं Clear हुआ ये था सिस्ट के बारे में। चलो next question पे चलते हैं। next question, screen पर आपके सामने है, छोटा है, है। बहुत तगड़ा सा प्रेगनेंसी एट प्यूबर्टी सबको पार्टिसिपेट करना है पोलिंग स्टार्ट कर दिए मैंने सबको पार्टिसिपेट करना है, आंसर सबको देना है ठीक है क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना छोटा है का बट बहुत ही तगड़ा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ध्यान से नहीं करोगे तो गलती हो सकती है वेजाइनल डिफेंस इज लॉस्ट विद इन टेन डेज आफ्टर टेन डेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और एट प्यूबर्टी किस वजह से होता है जिन्होंने आंसर कर दिया एक बार में ही कैच कर लेंगे हो जाएगा ये ठीक है तो इसका राइट आंसर आप सबने दे दिया मैं बता दूं कितने बच्चों का सही आंसर है सिर्फ 12 परसेंट देखो यही होता है के अंदर फिर बोलते हो हम लोग सेलेक्ट नहीं हो पाए ये देखो सिर्फ बारह परसेंट बच्चों का ये सही है फिफ्टी सिक्स परसेंट बच्चों ने सबने गलत आंसर किया है और सबसे फास्ट मोमिता शीमा और कोयल मोमिता है सीमा है कोयल है इनका सही है अंकित स्वामी इन सब ने सही आंसर दिया बच्चों ने तो इसका राइट आंसर डियर क्या है फ्टर टेन डेज ऑफ बर्थ तो कारण सुनोगे तो कभी नहीं भूलोगे ऐसा क्यों होता है सबसे सब पहले तो वेजाइनल डिफेंस होता है किस वजह से जब एक बच्ची पैदा हुई न्यू बोर्न न्यूबॉर्न फीमेल बेबी मान लो न्यू बॉर्न फीमेल हुई तो मेटर्नल उसकी बॉडी में दस दिन तक घूमता रहता है और जब इस्टोजन ब्लड में घूमता रहेगा वही वेजाइनल डिफेंस की तरह काम करता है चाहे वो रिप्रोडक्टिव एज में हो चाहे वो प्रेगनेंसी में हो चाहे किसी भी टाइम पे हो चाहे एक बच्ची पैदा हुई है तो इसकी बॉडी में ये जो मेटर्नल ईस्ट्रोजन होता है ये मेटर्नल ईस्ट्रोजन का इफेक्ट कितने दिन तक रहता है 10 दिन तक और इस वजह से वेजाइनल डिफेंस पैदा होने के 10 दिन बाद लॉस्ट हो जाता है बात आ गई समझ में कभी गलती नहीं करोगे गिरिराज जी मैंने समझा दिया है क्वेश्चन का मतलब ये था कि जब एक फीमेल बेबी पैदा होती है तो जो डिफेंस की तरह काम करता है वो कब तक होता है तो आप बोलोगे ये एसिडिक नेचर या डिफेंस की तरह जो काम कर रहा है वो मेटर्नल की वजह से कर रहा है मेटरनल फीमेल की बॉडी में कब तक रहता है जब एक फीमेल बेबी पैदा हुई उसके दस दिन तक रहेगा उसका इफेक्ट कितने दिन तक रहेगा दस दिन तक ठीक है वो फीमेल बॉडी में बेबी के बॉडी में सर्कुलेट करता है इसलिए डिफेंस की तरह ठीक है भाई मेटर हार्मोन की वजह से हुआ तो आफ्टर टेन डेज और कब कब होगा फिर बिफोर प्रीप्यूर्टी तक प्री प्यटी तक एंड मीनोपोज में मीनोपॉज में क्या होता है डिक्रीज इस्ट्रोजन याद रखना डिक्रीज इस्ट्रोजन इन फीमेल बॉडी डिक्रीज इस्ट्रोजन इन फीमेल बॉडी नेक्स्ट टाइम कभी दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ ले हाई कब रहेगा तो आप बोलोगे प्यूबर्टी पे प्यूबर्टी पे इस्ट्रोजन हाई होगा प्रेगनेंसी में हाई रहेगा प्रेगनेंसी में हाई रहेगा या फीमेल जब तक रिप्रोडक्टिव एज में है फीमेल जब तक रिप्रोडक्टिव एज में है तब तक फीमेल की बॉडी में ईस्ट्रोजन हाई रहता है और वो वेजाइनल डिफेंस की तरह काम करता है तो कभी इस तरह के क्वेश्चंस में गलती नहीं करना विद इन वाला नहीं होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एट प्यवर्टी हमारा था वेजाइनल डिफेंस लॉस्ट कब हो जाता है तो आफ्टर टेन डेज ऑफ बर्थ प्रेगनेंसी में मैंने बोला लॉस्ट होगा नहीं होगा क्या प्यवर्टी पे लॉस्ट होगा नहीं होगा ठीक है विद इन टेन डेज ऑफ बर्थ लॉस्ट होगा नहीं होगा दस दिन के बाद लॉस्ट होगा कब तक लॉस्ट रहेगा वो तो प्री प्यटी तक लॉस्ट रहेगा और मीनोपॉज में लॉस्ट रहेगा बात आ गई समझ में नॉट बाई द मदर इट सिर्फ ये न्यूबॉर्न डेवी के बारे में मैंने पूछा है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो वेजाइना के बारे में और थोड़ा सा पढ़ो क्योंकि आपकी गलती हो रही है एक और वेजाइना से रिलेटेड क्वेश्चन विद रिगार्ड टू द वेजाइना ऑल आर करेक्ट ये ध्यान रखना एक्सेप्ट विद रिगार्ड टू वेजाइना ऑल आर करेक्ट

Is lined by the और जो छोड़ने वाला है वही हमारा सही आंसर है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में सही आंसर जो है वो लिखेंगे सबको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है सिद्धत से अगर पढ़ाई कर रहे हो तो सबको आंसर करना है फास्ट फास्ट एबीसीडी में बस आप आंसर लिखो ए बी सी डी में बस आपको आंसर लिखना है वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया चलो टाइम खत्म हो गया है तो मुझे बताओ इसका राइट आंसर कितने बच्चों ने आपको क्या लगता है क्या इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर देख लेते हैं कितने बच्चों ने ठीक किया है ओनली फिफ्टीन परसेंट स्टूडेंट आप बोलोगे भाई साहब थ्योरी तो पूरी पड़ी हुई है हो क्या रहा है आज यही तो प्रैक्टिस करनी है यहाँ जो गलती हो रही है याद रखना एग्जाम में कभी गलती नहीं होगी कितने बच्चों ने सही किया है पंद्रह बच्चों ने नवीन रीमा अनन्या सिर्फ इन बच्चों का ये क्वेश्चन जो है वो ठीक है अब मुझे बताओ कि पहले सही देख लेते हैं मेक्स एन एंगल ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री विदिजोनटल लाइन वेन अ फीमेल इन द स्टैंडिंग पोजिशन ध्यान से सुनना इस लाइन का मतलब फीमेल इन द स्टैंडिंग पोजिशन उसकी वेजाइना का एंगल एक हॉरिजोंटल लाइन के साथ क्या होता है क्वेश्चन ने ये बोला था ये एक फीमेल खड़ी हुई है ठीक है इसकी वेजाइना का एंगल एक लाइन के साथ में कितने डिग्री का होगा तो हम बोलते हैं फोर्टी फाइव डिग्री का ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है ठीक है जब हम इस वेजाइना को क्रॉस सेक्शन करें यह यूट्रस है और इसके साथ में ये यूट्रस है इसके साथ में ये वेजाइना है ठीक है जब हम इसका क्रॉस सेक्शन करें तो क्या ये लेटर एच की तरह दिखाई देता है ये बात भी सही लिखा हुआ है इसके बारे में ठीक है नेक्स्ट है वेजाइना एक्सिस लाई पैरेलल टू द यूट्रस क्या वेजाइना का ये एक्सिस यूट्रस के पैरेलल में है दिख के ही हमें पता चल रहा है ये वेजाइनल एक्सिस है ये यूट्रस का एक्सिस है एक दूसरे के पैरेलल में नहीं है एक दूसरे को क्रॉस सेक्शन कर रहा है ठीक है तो ये लाइन तो पहले लाइन में ही पढ़ के हमें गलत लग रहा है ठीक है n एट द राइट एंगल टू द प्लेन एक्सिस ऑफ इनलेट के होगा तो पहली लाइन ही हमें पढ़ के समझ में आ रहा है एक दूसरे के पैरेलल तो नहीं है ठीक है तो ये गलत वाला ही हमारा क्या था एक्सेप्ट वाला हमें ढूंढना था कौन सा सही नहीं है ये सही नहीं है इसीलिए ये इस क्वेश्चन का राइट right आंसर जाता है इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या है c c इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्योंकि ये वेजाइना के बारे में गलत बात लिखी हुई है नेक्स्ट है इट इज लाइन बाई बिल्कुल सही है तो भाई साहब वेजाइना के क्वेश्चन में भी आप गलती कर रहे हो तो कहां से काम चलेगा वेजाइना की सिंपल लेंथ के बारे में पूछ ले तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर अलग अलग होता है हमेशा पोस्टीरियर लेंथ एंटीरियर से टू सेंटीमीटर ज्यादा होता है मीन एंटीरियर अगर सेवन टू सेवन पॉइंट फाइव है तो पोस्टीरियर लेंथ इसका नाइन सेंटीमीटर होगा ठीक है और वेसाइना में कौन सा एपिथिलियल टिश्यू होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथिलियल टिश्यू ये आपको पता है एपिथिलियल एपिथिलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है वेजाइना इज लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड और यहीं पे पूछ ले कैरेटेनाइज और नॉन कैरेटेनाइज तो याद रखना नॉन कैरेटेनाइज नॉन कैरेटेनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथिलियल टिश्यू वेजाइना का पीएच कैसा होता है एसिडिक होता है कैसा होता है डियर एसिडिक होता है 3.5 से लेकर 4.2 के अप्रॉक्स इसका पीएच होता है नेक्स्ट अगर हम बात करें वेजाइना के बारे में तो वेजाइना का मेन फंक्शन क्या होता है फीटस को एक्सपेल आउट करता है वेजाइनल ब्लड जो होता है उसको एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है ठीक है एक्ट में हेल्प करता है ये वेजाइना का फंक्शन होता है और वेजाइना के अंदर इसका जो पीएच एसिडिक है ये किस वेसिलाई की वजह से होता है ये एम्स जोधपुर का क्वेश्चन था याद रखना क्वेश्चन पूछा था डॉडरलिन वेसिलाई के बारे में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस डॉडरलिन वेसिलाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस डॉडरलिन वेसिलाई वेजाइना का पीएच कैसा होगा एसिडिक कैसे करता है ये वेजाइना में रिच ग्लाइकोजन स्टोरेज होता है ये उस ग्लाइकोजन रिच स्टोरेज जो है उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है के अंदर. और इसी वजह से का क्या होता है, होता है. एज में होगा, में होगा, और फीमेल जब प्रेगनेंसी में जाएगी तो थोड़ा मोर एसिडिक और ज्यादा एसिडिक हो जाएगा लेकिन मैं साइकिल के टाइम पे पूछा जाए तो एल्कोलाइन होता है मीनोपॉज में पूछा जाए एल्कोलाइन होते हैं प्यूबर्टी से पहले पूछा जाए एल्कोलाइन होते हैं ठीक है ये है वेजाइना के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है ठीक है भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है एंगल ऑफ ऑफ एट द लेवल एक्सटर्नल ओस ओस इंटरनल सर्विक्स एंड इस्थमस क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट अगर आप पढ़ने में गलती करोगे तो इस क्वेश्चन में भी गलती कर सकते हो यहां गलती का कोई सवाल नहीं है लेकिन फिर भी अगर आपने पढ़ने में गलती किया एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन देखो एम्स एक क्वेश्चन को ऐसा नहीं है टॉपिक रिपीट नहीं करता रिपीट करता है लेकिन क्वेश्चन का भी रिपीट नहीं करता तो नए तरीके का क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है आंसर देने का ट्राई करेंगे ए बी सी डी में में अपना आंसर कमेंट बॉक्स लिखना है फास्ट 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 यूट्रस सबको पता है एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्सड होता है सबको पता है इतना तक तो सबने पढ़ा है यूट्रस एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्स होता है मैं भी आपको बता रही हूं लेकिन किस एंगल पे होता है ये एम्स का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है जो कुछ बच्चों को सेलेक्ट करेगा वहां से क्योंकि इसमें फिफ्टी परसेंट से ज्यादा बच्चे गलती करेंगे डेफिनेटली करेंगे तो ध्यान से सोच समझ के आंसर करो चलो टाइम खत्म हो गया है राइट आंसर देख लेते हैं राइट आंसर देख लेते हैं कितने बच्चों ने किया है सिर्फ देखो मैंने आपको पहले क्या बोला था थर्टी थ्री परसेंट बच्चों ने सही आंसर किया है मनीषा पहले नंबर पे है लर्नर एंड अर्नर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है जिन्होंने सबसे फास्ट आंसर किया है ठीक है इसका राइट आंसर क्या है सबसे पहले तो यूट्रस देखो ये आपका यूट्रस एंटी वॉर्टेड और एंटी फ्लेक्सड हमने बोला है ये हमारा क्या है डियर वेजाइना डायग्राम सबको समझ में आ गया कि हमने क्या बनाया है ये हमने यूट्रस का डायग्राम बनाया है ये हमने यूट्रस का डायग्राम बनाया है ये सर्विक्स वाला पार्ट है और ये वेजाइना है ये वेजाइना है ये सर्विक्स है ठीक है ये पूरा यूट्रस है और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है यूट्रस कैसा होता है एंटीवर्टेड यूट्रस एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्स होता है ठीक है तो एंटीवर्टेड कहां पे होता है एंटी फ्लेक्स कहां होता है ये वेजाइना है ये सर्विक्स है अगर ये एंगल देखें तो ये होता है 90 डिग्री का एंगल जिसे हम बोलते हैं एंटीवर्टेड एंटी वर्टेड कितने डिग्री का 90 डिग्री का और ये हमारा क्या होता है सर्विक्स और उसके बॉडी के साथ अगर हम एंगल देखें तो ये हमारा कितना होता है वन ट्वेंटी डिग्री का जिसे हम बोलते हैं एंटी फ्लेक्सड एंटी फ्लेक्सड तो आपको मैंने बोला सर्विक्स लेकिन सर्विक्स का ही पार्ट क्या होता है सर्विक्स में भी पार्ट होते हैं अगर मैं सर्विक्स में बोलूं तो इंटरनल ओस होता है एक्सटर्नल ओस होता है ये इसका एक्सटर्नल ओस है ये इसका इंटरनल ओस है ध्यान देना जब भी ये जो होता है ये इंटरनल और एक्सटर्नल उसमें किस लेवल से चेक किया जाता है तो इंटरनल उसके लेवल पर ठीक है याद हमेशा रखना कि ये कहां से एंटी फ्लेक्स होता है किसके बीच में एंगल होता है तो एंटी फ्लैक्स के अग, अंदर एंगल आप हमेशा पढ़ते हो बिटवीन द यूट्रस एंड सर्विक्स स की बॉडी का उसके सर्विक्स के साथ में लेकिन सर्विक्स के किस पार्ट के साथ में उसका आंसर जाता है इंटरनल ओस आज के बाद गलती मत करना बहुत सिंपल क्वेश्चन है इस लेवल से यूट्रस जो है फ्लेक्स होता है यहां से यूट्रस जो है इंटरनल ओस के लेवल से क्या होता है फ्लेक्स होता है और एंगल बनाता है कितने डिग्री का वन डिग्री का जिसे हम बोलते हैं एंटी फ्लेक्स ये आपका थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने का पूरा पूरा चांस है इसी तरह के क्वेश्चन को रखा गया है आज की क्लास में ठीक है भाई तो राइट right आंसर पता चल गया एक्सटर्नल ओस नहीं होगा सर्विक्स नहीं है नहीं है राइट आंसर इज बी डायग्राम भी दिखा देती हूँ ये देखो डायग्राम ये है सर्विक्स ये है सर्विक्स ये सर्विक्स का एक्सटर्नल ओस है ये सर्विक्स का इंटरनल ओस है और इंटरनल ओस के लेवल से ही एंगल बनाया जाता है ये इंटरनल ओस है तो देखो इंटरनल ओस से एंगल बनाया और ये एंगल कितना डियर 120 डिग्री का इसी को हम क्या बोलते हैं एंगल ऑफ एंटी फ्लैक्शन ठीक है इसी को हम क्या बोलते हैं यहां पे लिखा हुआ नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख दू एंगल ऑफ एंटी फ्लैक्शन एंटी फ्लैक्शन और ये एम्स रायपुर 2018 के पेपर में भी पूछा गया उसके बाद भी एम्स ने इसको पूछा है ठीक है और ये देखो वेजाइना है और ये सर्विक्स है तो वेजाइना और सर्विक्स में जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एंटीवर्जन ये आपका क्या है ये वेजाइना और इसके बीच में जो एंगल है 90 डिग्री का इसे ही हम क्या बोलते हैं एंटी वर्टेड एंटी फ्लेक्स यूट्रस और यह डायग्राम तो मैं आपको आज की क्लास में प्रैक्टिस करवाई चुकी हूँ राइट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है बहुत सिंपल बहुत इजी क्वेश्चंस है पढ़ के ध्यान से करना है लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलोपियन ट्यूब इसमें हंड्रेड परसेंट बच्चों का आंसर ठीक होगा मुझे पता है इंटरस्टिशियल है, है एम्पुला है और फिम्बरी है लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब पोलिंग मैंने स्टार्ट कर दी है आंसर सबको करना है लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब फास्ट एबीसीडी में अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्योंकि अगर आप एबीसीडी नहीं लिखोगे तो आपका इवैल्यूएशन भी नहीं होगा कि आप 250 200 बच्चों में किस रैंक पे स्टैंड करते हो ठीक है भाई तो फास्ट आंसर करेंगे डी में वेरी गुड वेरी गुड तो लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब वेरी सिंपल वेरी इजी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन भी रखना चाहिए नाइन परसेंट स्टूडेंट अब मैंने इसलिए क्वेश्चन रखा है कि एग्जाम में ऐसा कभी नहीं होता कि आपको कुछ नहीं आ रहा होता है ठीक है क्वेश्चन वो भी बच्चे करके जाएंगे जिसने कुछ नहीं पढ़ा हुआ ठीक है लेकिन जो सिलेक्टेड क्वेश्चन को निकालेगा ना उसका चांस हाई हो जाएगा प्रिलिम्स को क्रैक करने का याद रखना इस बात को ठीक है फास्ट आंसर जो किया है वनवारी धवन अबाउट मेडिसिन एंड सपना ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड में है क्वेश्चन सिंपल था

पेस मेकर ऑफ यूट्रस क्या बोला जाता है पेस मेकर ऑफ द यूट्रस जहां से इस ट्यूब की एंट्री फेलोपियन ट्यूब के अंदर होती है और इसके नियर बाई जो पार्ट होता है इसे बोला जाता है इंट्रा न्यूरल या फिर इंटरस्टिशियल पार्ट क्या बोलते हैं इंटरस्टीशियल पार्ट इससे आगे अगर जाए तो ये जो पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं लेंथ इस्थमस. इस्थमस, होता है ये 1.25 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है टोटल पूरे फेलोपियन ट्यूब की लेंथ की बात करें तो टेन सेंटीमीटर होता है और इसके बाद जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब होता है सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब होता है है इसे बोला जाता एम्प्यूला क्या बोला जाता है एम्प्यूला जो कि पूरा पांच सेंटीमीटर का होता है और ये जो बचा हुआ पार्ट है इसे हम बोलते हैं इन फंडी बुलम क्या बोलते हैं इन फंडी बुलम और इसमें जो फिंगर लाइक -like प्रोजेक्शन होता है इसे बोला जाता है फिमब्रिये क्या बोलते हैं फिम्ब्रिय इसमें एक लॉन्गेस्ट फिम्ब्रिय होता है इसे बोला जाता है ओबेरियन फिम्ब्रिय इसका काम क्या होता है पेल्विक कैविटी से ओवा को कैच करके यूट्रस के अंदर डालने का काम करता है कौन ये ओबेरियन फिम्ब्रिय काम करता है ठीक है तो फेलोपियन ट्यूब के बारे में उसके पार्ट के बारे में कितने सेंटीमीटर लेंथ होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया है लेकिन यहां से कुछ इंटरेस्टिंग और एक्सेप्शनल क्वेश्चंस जो कि थोड़ा सा हटके है वो याद रखना वो पूछा जाता है कि ये आपका लॉन्गेस्ट पार्ट है यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है और यही एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का मोस्ट कॉमन साइट है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टॉपिक प्रेगनेंसी यही एम्पुला है जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना कि मुझे बताओ इस फेलोपियन ट्यूब को जो दिखाया गया है उसमें अनाटमिकल स्पिंटर किसको बोला जाता है और फिजियोलॉजिकल एक्ट स्पिंटर किसको बोला जाएगा बताओ इसमें जो एनाटमिकल स्प्रिंक्टर बोला जाता है वो इस इंट्रा न्यूरल पार्ट को या फिर इसी को बोला जाता है इंटरस्टिशियल इंटरस्टीशियल एंड इज कॉल्ड एज एनाटमिकल ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है याद रखना एनाटमिकल स्पिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब फेलोपियन ट्यूब का ये एनाटमिकल स्प्रंक्टर होता है और जो स्थम की बात करें ये आपका फिजियोलॉजिकल स्प्रिंक्टर होता है क्या होता है डियर फिजियोलॉजिकल स्प्रिंक्टर ऑफ द फेलोपियन ट्यूब ट्यूब फिजियोलॉजिकल स्पिंटर ऑफ द फेलोपियन ट्यूब हम किसको बोलते हैं और अगर पूछा जाएगा सबसे, क्या होता है? सबसे होता है. या फिर की बात की जाए वो आपका इंटरस्टिशियल जो है यह भी कैसा होता है डियर सेकेंड नैरोस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब और शॉर्टेस्ट की बात की जाए सबसे छोटा कौन सा होता है तो ये शॉर्टेस्ट होता है सबसे लॉन्गेस्ट क्या होता है एम्प्यूला सबसे लॉन्गेस्ट होता है तो यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर जो पॉइंट अभी स्क्रीन पर मैंने आपको समझाया है किसके बारे में फेलोपियन ट्यूब के बारे में यहां तो सिंपल क्वेश्चन पूछा था लॉन्गेस्ट हमने आंसर कर दिया एम्प्यूला सी हमारा राइट right आंसर है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है पढ़ के आंसर देने का ट्राई करेंगे क्योंकि पीपीएच एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये नॉर्थ सेट के एग्जाम में रिपीटेडली आ चुका है इनकंट्रोलेबल पीपीएच ऑल ऑफ द फॉलोइंग artery कैन बी लाइगेटेड एक्सेप्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन है और मैंने पढ़ाया हुआ है। गलती की ना आपने फिर बताऊंगी मैं आपको पढ़ के ध्यान से क्वेश्चन करना कि पीपीएच क्या हो गया अनकंट्रोलेबल हो गया है ऑल ऑफ द फॉलोइंग arteries कैन बी लाइगेटेड सारी आर्टरी को हम इसमें लाइगेट करेंगे एक्सेप्ट एक को छोड़कर जो इसका पार्ट नहीं होगा उसी को छोड़ोगे तो बताओ कौन सा इसका पार्ट नहीं है राइट आंसर ए बी सी डी में से कमेंट बॉक्स में अपना राइट आंसर लिखिए चलो फास्ट ए बी सी डी यूट्राइन आर्टरी के बारे में अगर नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही करोगे फास्ट वेरी गुड सबने आंसर ऑलमोस्ट कर दिया है ठीक है तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर सही कितने लोगों ने किया है सिर्फ ट्वेंटी वन परसेंट लोगों ने भाई साहब ऐसा क्यों ऐसा क्यों सबका आंसर गलत जा रहा है डी पे ज्यादा पार्ट लगा रहे कि ओवेरियन आर्टरी नहीं होगा याद रखना ओवेरियन आर्टरी भी यूट्रस को ब्लड सप्लाई करता है क्या बात कर रहे यूट्राइन आर्टरी तो करता ही है यूट्राइन आर्टरी के साथ साथ ओवेरियन आर्टरी भी यूट्रस को ब्लड सप्लाई करता है नॉट ओनली की ओवरी को करेगा ठीक है तो सही आंसर हेमा ने दीप्ति ने और अरण्या ने दिया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर यही बच्चे तीन आए हैं चलो अब बात क्या थी क्वेश्चन में कि अनकंट्रोलेबल अगर पीपीएच है तो कौन कौन सी आर्टरी को लाइगेट करना है एक को छोड़कर जो इसका पार्ट नहीं होगा हम उसको लाइगेट नहीं करेंगे तो यूट्राइन आर्टरी यूटरस को ब्लड सप्लाई कौन करता है यूट्रस को ब्लड सप्लाई कौन करता है ब्लड सप्लाई टू द यूट्रस लिख लेना लिख लेना और इसको आज के बाद याद रखना ब्लड सप्लाई टू द यूट्रस आर्टरी करेगा एंड मैंने आपको बताया था यूट्राइन आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ यूट्राइन आर्टरी किसका ब्रांच 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 है है आर्टरी इज द ऑफ किसका जल्दी से बताओ एंटीरियर डिवीजन कैसे बताया था याद रखना एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी बताया था ना इंटरनल इलियक आर्टरी का पार्ट है इंटरनल इलियक आर्टरी का ब्रांच यूट्राइन आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी तो जब अनकंट्रोलेबल पीएच पीपीएच होता है तो यूट्राइन आर्टरी के साथ साथ जो इसका डिवीजन है यूट्राइन आर्टरी जिसका ब्रांच है उसको लाइगेट कर देते हैं इसके साथ साथ ओवेरियन आर्टरी भी यूट्रस को ब्लड सप्लाई करता है ये भी याद रखना ओवेरियन आर्टरी ऑल्सो सप्लाई ब्लड टू द यूट्रस इसीलिए पोस्टीरियर डिवीजन ये यूट्रस को ब्लड सप्लाई नहीं करता है ये इसका ब्रांच नहीं होता है दैट्स वाई सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जबकि यूट्राइन आर्टरी ब्लड सप्लाई करेगा जबकि एंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलियक ब्रांच ऑफ यूट्राइन आर्टरी ओवेरियन आर्टरी ऑल्सो सप्लाई ब्लड टू द यूट्रस इसीलिए हम इन सबको लाइगेट करेंगे इसको छोड़कर पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी को छोड़कर हम सबको क्या करेंगे लाइगेट करेंगे इन केस ऑफ पीपीएच बात आ गई समझ में तो के 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 बारे में में याद रखना अंदर 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 एक एक क्वेश्चन क्वेश्चन आया था था पूछा हुआ कि हम पीपीएच बोलते हैं इससे पहले आपको नॉर्मल ब्लड लॉस पता होना चाहिए कि किस केस में कितना ब्लड लॉस होता है तो अगर मैं नॉर्मल ब्लड लॉस की बात करूं तो एक नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में

नॉर्मल सेक्शन एल एस सी एस कितना ब्लड लॉस होगा और एक नॉर्मल कोई विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन क्या किया गया सिजेरियन हिस्ट्रैक्ट में किया गया है सिजेरियन हिस्ट्रैक्ट में किया गया है डिलीवरी के साथ साथ यूट्रस को भी रिमूव किया गया हिस्ट्रैक्टनी इसमें कितना ब्लड लॉस होता है तो ये सारे ब्लड लॉस अगर याद रहेंगे तो कभी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा आपकी गलती नहीं होगी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में ब्लड लॉस होता है फाइव हंड्रेड एम एल फाइव हंड्रेड एम एल एक नॉर्मल ट्विंस वेजाइनल डिलीवरी में ब्लड लॉस होता है थाउजेंड एम एल एक सिजेरियन सेक्शन में ब्लड लॉस कितना होता है थाउजेंड एम एल जब एक नॉर्मल ट्विन सिजेरियन सेक्शन होता है दो बच्चे होते हैं डिलीवर करना होता है 1500 हंड्रेड एम एल और किया जाता है साथ साथ में तो 1500 हंड्रेड एम एल का ब्लड लॉस होता है यह है एक नॉर्मल ब्लड लॉस का क्राइटेरिया जो कि आपको याद रखना है और पीपीएच हम 500 सौ से ज्यादा ब्लड लॉस इन केस ऑफ नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी हो तो ब्लड लॉस हम बोलते हैं पीपीएच है ठीक है भाई पीपीएच समझ में आया पीपीएच का एक क्लासिफिकेशन याद रखना पीपीएच को हम क्लासिफाई करते हैं किसमें माइल्ड मॉडरेट एंड सीवियर की कैटेगरी में आपसे पूछा जाता है माइल्ड मॉडरेट सीवियर पीपीएच हम कब बोलेंगे माइल्ड पीपीएच तब बोला जाता है जब एक फीमेल को 500 से ज्यादा बट हजार एम से कम ब्लड लॉस होता है मॉडरेट पीपीएच एक फीमेल को तब बोला जाता है जब हजार एम से ज्यादा और दो हजार एमएल से कम ब्लड लॉस होता है और सीवियर पीपीएच एक फीमेल को तब बोला जाता है जब उसका ब्लड लॉस दो हजार से ज्यादा होता है ये एक क्लासिफिकेशन है यह एक क्लासिफिकेशन है एक दूसरा क्लासिफिकेशन पीपीएच का और होता है एक दूसरा क्लासिफिकेशन पीपीएच का और होता है ध्यान से देखना पीपीएच में हम दो टाइप से पीपीएच बोलते हैं एक बोलते हैं प्राइमरी और एक बोला जाता है सेकेंडरी पीपीएच सेकेंडरी पीपीएच तो सेकेंडरी पीपीएच कब होता है आफ्टर ट्वेंटी फोर आवर्स से लेकर आफ्टर ट्वेंटी फोर आवर्स से लेकर अप टू सिक्स वीक तक अगर किसी फीमेल को ब्लड लॉस होता है तो वो सेकेंडरी पीपीएच में आता है लेकिन प्राइमरी पीपीएच फीमेल को कब बोला जाएगा जब एक फीमेल को 24 फोर आवर्स के अंदर विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स हम क्या लिखते हैं अगर किसी फीमेल को विद इन ट्वेंटी फोर आवर ब्लड लॉस होता है तो प्राइमरी पीपीएच और ये प्राइमरी पीपीएच भी दो टाइप का होता है थर्ड स्टेज थर्ड स्टेज पीपीएच एंड ट्रू पीपीएच ट्रू पीपीएच इसमें क्या डिफरेंस है इसमें क्या डिफरेंस है भाई बताओ जल्दी से ये जो थर्ड स्टेज का पीपीएच होता है ये जो थर्ड स्टेज का पीपीएच होता है इस थर्ड स्टेज के पीपीएच में हम बोलते हैं प्लेसेंटा प्लेसेंटा के डिलीवर होने से पहले ही अगर किसी को एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है तो वो थर्ड स्टेज पीपीएच है मीन आपने बेबी को बाहर निकाला अभी प्लेसेंटा बाहर नहीं निकला है फिर भी फीमेल को एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है देन इट्स कॉल्ड थर्ड स्टेज पीपीएच और प्लेसेंटा एक्सपेल आउट होने के बाद जो ब्लड लॉस होता है उसे बोला जाता है ट्रू पीपीएच ठीक है लेकिन ब्लड लॉस कब तक 24 फोर आवर्स तक ही होगा याद रखना इमीडिएट पीरियड में ही जो ब्लड लॉस होता है एक्सेसिव तो उसे प्राइमरी पीपीएच बोला जाता है चाहे तो थर्ड स्टेज होगा या ट्रू पीपीएच होगा दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है थर्ड स्टेज पीपीएच हम कब बोलते हैं थर्ड स्टेज पीपीएच जाता है बिफोर प्लेसेंटल एक्सपोल बिफोर प्लेसेंटल एक्सपल्सर

अगर यूट्रस का टोन किसी भी वजह से लॉस हो जाता है आपने ज्यादा एनेस्थीसिया यूज किया ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस था मल्टीपल प्रेगनेंसी था किसी भी वजह से ट्रॉमा हुआ है किसी भी वजह से अगर यूट्रस का टोन लॉस हो गया तो एटोनिक यूट्रस ही एट्टी परसेंट तक कॉज होता है पीपीएच का इसके अलावा क्या हो सकता है ट्रॉमा की वजह से हो सकता है इसके अलावा क्या हो सकता है डियर तो रिटेन प्लेसेंटल टिश्यू रिटेन टिशू की वजह से हो सकता है या फीमेल को कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर वगैरह है 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 तो तो इस वजह से भी भी हो सकता है. तो ये मेन कारण होता है किसका पीपीएच पीपीएच का पता चल गया देख लिया हमने अपने क्वेश्चन को भी देख लिया आर्टरी के बारे में भी देख लिया एक और क्वेश्चन आर्टरी से रिलेटेड पूरी आज की क्लास में सिर्फ दो ही आर्टरी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द ब्रांच ऑफ यूट्राइन आर्टरी एक्सेप्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रांच ऑफ यूट्राइन आर्टरी यूट्राइन आर्टरी किसका ब्रांच है एंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलियाक आर्टरी और यूट्राइन आर्टरी से भी ब्रांच निकलते हैं उसका नाम बताना है ट्रिक के साथ बताऊंगी कभी नहीं भूलोगे स्पाइनल आर्टरी रेडियल आर्टरी सैम्शन आर्टरी ऑब्सट्यूरेटर आर्टरी फास्ट आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में मैंने पोलिंग स्टार्ट कर दी है ए बी सी डी में अपना आंसर लिखना है ए बी सी डी में अपना आंसर फास्ट कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। टाइम खत्म होने वाला है जल्दी आंसर करेंगे आई होप सो सबने आंसर कर दिया है वेरी गुड चलो सबने आंसर कर दिया देख लेते कितने लोगों ने सही आंसर किया है सिक्स परसेंट एक्सेप्ट पूछा है भाई एक्सेप्ट राजश्री ने अर्ण भट्ट सिर्फ फर्स्ट सेकंड, थर्ड पर ये लोग हैं प्रीति ज्योति आरकेएम और हनुमान बस इतने लोगों ने सही आंसर किया है क्या हो गया मैंने बताया था मान लो ये आर्टरी है ये क्या है एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी इससे एक ब्रांच निकला है इसका नाम है यूट्राइन आर्टरी ये क्या है बताओ एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी ठीक है इंटरनल इलियक आर्टरी इससे एक ब्रांच निकला इसका नाम हमने क्या दिया यूटेराइन आर्टरी क्या नाम दिया हमने यूटराइन आर्टरी और इस यूट्राइन आर्टरी से भी ब्रांच निकलते हैं इस तरह से जो यूट्रस को ब्लड सप्लाई करेंगे इस तरह से स्पाइरल आर्टरी निकलेगा ये इस तरह से इसके ब्रांच होते हैं ठीक है ठीके? तो इसको क्या नाम दिया जाता है जो यूट्राइन आर्टरी के ब्रांच होते हैं उसे नाम याद रखना किससे याद रखोगे क्यों होने के साइन बना रहे हो क्या हो गया ए आर बी एस आज के बाद कभी गलती नहीं होगी याद रखना जो यूट्रस को ब्लड सप्लाई करता है सिर्फ और सिर्फ यूट्रस को वो होता है ए आर बी एस ए आर बी एस और फुल फॉर्म तो आप बता सकते हो A से क्या होगा आर्कवेट रेडियल बेसल और स्पाइरल ठीक है बेसल स्पाइरल आर्कुवेड, आर्कुवेड, रेडियल ठीक है तो आपको पता चल गया ये यूट्रस को ब्लड सप्लाई करता है और जो सर्विक्स को ब्लड सप्लाई करता है वो डिसेंडल सर्वाइकल आर्टरी होता है जो सर्विक्स को ब्लड सप्लाई करता है वो डिसेंडिंग डिसेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी होता है डिसेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी ब्लड सप्लाई टू द सर्विक्स ब्लड सप्लाई टू द सर्विक्स सिंपल है ए आरबीएस के ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो और नाम दिया हुआ है सैमसोन आर्टरी सैमसोन आर्टरी इसमें से तो नाम ही नहीं आया तो सैमसोन आर्टरी किसको करता है आपके राउंड लिगामेंट को ठीक है हमारा राउंड लिगामेंट होता है ना इस राउंड लिगामेंट को एक आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है जिसका नाम है सैमसोन आर्टरी ठीक है? है? है। है है? तो ये ये सब किसका है? यूट्रस का का लेकिन क्या कहीं मैंने नाम का लिया है कि ये यूट्रस को सप्लाई करता है? नहीं मैंने बोला स्पाइरल किसको करेगा यूट्रस को रेडियल आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करेगा यूट्रस को सैमसन आर्टरी यूट्रस के अंदर किसको ब्लड सप्लाई करेगा तो आपने बोला राउंड लिगामेंट को किसको करेगा राउंड लिगामेंट को तो ये सब यूट्रस का पार्ट है यही तो पूछा तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग एज द ब्रांचेस ऑफ यूट्राइन आर्टरी एक्सेप्ट तो ऑप्चुरेटर आर्टरी इज नॉट अ ब्रांच ऑफ यूट्राइन आर्टरी तो राइट right आंसर किसको जाता है डी भाई समझ में आया समझ में आया मोए मोए हो गया सबका कोई बात नहीं कोई बात नहीं भाई रेडियल ये वाला ही रेडियल नहीं होता है ये यूट्राइन आर्टरी से ये जो ब्रांच निकलता है एक स्पाइरल निकलता है इसका भी एक ब्रांच होता है रेडियल होता है और जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में होता है वो पुडेंडल आर्टरी होता है तो ये जो पार्ट है ये सब यूट्राइन आर्टरी का ब्रांच है जो ए आर बी एस मैंने लिखा है ना ये यूट्रस आर्टरी के ब्रांच है जो यूट्रस से ब्रांच निकलते हैं ना ये याद रखना रेडियल मतलब ये वाला नहीं कि जो हमारे रेडियल वाले पार्ट को सप्लाई कर रहा है नहीं ये मैंने यूट्राइन आर्टरी के ब्रांच का नाम बताया है यूट्रस के ब्रांच जो निकलते हैं उनको नाम आर्कुएट आर्टरी 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 रेडियल आर्ट्री, बेसल आर्ट्री और स्पाइनल दिया गया है क्लियर है भाई चल तो आर बी एस अर्ब से याद रखना अर्ब से याद रखना अर्ब अपने अर्ब के साथ में याद रखना है इसको ठीक है कभी नहीं भूलोगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है आइडेंटिफाई द फिगर

पोल को थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ जिससे आप इमेज को देख पाओ और क्वेश्चन भी पढ़ पाओ फास्ट आंसर करेंगे फास्ट 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 जो हो गया उसे सोचा नहीं करते जो गलत हो गया होने दो जो हो गया उसे सोचा नहीं करते जब मिल गया उसे खोया नहीं करते हासिल उन्हीं को होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते रोने के साइन मत बनाओ इससे मुकाबला करो पढ़ाई करो अपने आप को स्ट्रांग बनाओ रो मत। चलो बहुत बढ़िया <laughs> इसीलिए तो बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन दिए गए कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बरकरार रहना चाहिए पूरी क्लास में चलो भाई ये क्या है सबको पता है इसमें ऑलमोस्ट सब बच्चों का आंसर सही आएगा ठीक है 83 परसेंट बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है और फास्ट आंसर तीन बच्चों ने कुमुदनी है फेस वर्ल्ड है और गिरिराज टेलर इन सबका फास्ट आंसर फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आए हैं मतलब ठीक है अब हमें दिख रहा है जब भी इस तरह से एग्जामिनेशन होगा हो सकता था कि इस तरह से एग्जामिनेशन किसका किया जाता है लियोपोल्ड मैन्यूवर के अंदर भी एग्जामिनर अपने हाथ को अम्ब्लाइकस के दोनों लेटरल साइड में रखता है लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है यहाँ पे एरो बना के दिखाया है कि पहले हाथ यहाँ था और इस साइड से क्या किया जा रहा है प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है इस साइड से प्रेशर अप्लाई करते हैं और जब ये फीटस आपके दूसरे साइड पे प्रेशर अप्लाई करे इसका मतलब इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं एक्सटर्नल बेलॉटमेंट एक्सटर्नल बेलॉटमेंट समझ में आया तो इस इस इमेज के अंदर जो दिखाया गया है उसका मतलब क्या है बेलॉटमेंट को चेक करना एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बेलॉटमेंट बेलॉटमेंट का मतलब क्या होता है बताओ रिबाउंडिंगनेस ऑफ फीटस रिबाउंडिंगनेस रिबाउंडिंगनेस ऑफ फीटस टुवर्ड्स द एग्जामिनर फिंगर्स एंड हैंड रिबाउंडिंगनेस ऑफ फीटस टुवर्ड्स टुवर्ड्स एग्जामिनर हैंड और अगर इंटरनल करेंगे तो वो फिंगर से करते हैं इंटरनल करते हैं तो फिंगर से करते हैं पता चल गया तो बेलॉटमेंट में क्या किया जा रहा है रिबाउंडिंगनेस ऑफ फीटस टुवर्ड्स द एग्जामिनर हैंड मीन्स एक साइड से आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि फीटस आपके दूसरे हैंड पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है ठीक है इसका राइट आंसर क्या जाता है सी इंटरनल बेलोटमेंट भी बेलोटमेंट का एक टाइप होता है फंडस एग्जामिनेशन नहीं है बोथ बी एंड सी नहीं है ठीक है अब देख लेते हैं एक इमेज ये इमेज मैंने आपको दिया था जो क्या किया जा रहा है एक्सटर्नल बेलोटमेंट क्या चेक कर रहे हैं इसमें एक्सटर्नल बेलॉटमेंट और एक्सटर्नल बेलॉटमेंट को हम कैसे चेक करते हैं एक्सटर्नल बेलॉटमेंट आप ब्रीच प्रेजेंटेशन में अगर बच्चा हो तो कर सकते हो एक्सटर्नल बेलॉटमेंट में एग्जामिनर अपने हैंड को कहां रखता है एक्सटर्नली एग्जामिनर का हाथ कहां पे होता है एक्सटर्नली होता है वेजाइना के अंदर नहीं होता है बाहर से ये एग्जामिन कर सकता है इसको लेकिन इंटरनल बेलॉटमेंट के लिए एग्जामिनर को अपने फिंगर को वेजाइना के अंदर डालना पड़ता है ये देख लो ये जो इमेज सेकेंड आपको दिखाया गया है ये है इंटरनल बेलॉटमेंट

चलो तो ये आपको समझ में आया ये आपको समझ में आया ये क्वेश्चन किसका था अलॉटमेंट का क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है द लिगामेंट कनेक्टिंग ओवरी टू द लेटरल पेल्विक वॉल ओवरी के लिगामेंट के बारे में पूछा गया है इन फंडी पेल्विक लिगामेंट ओवेरियल लिगामेंट राउंड लिगामेंट एंड ब्रॉड लिगामेंट देखो ओबीजी की दो दिन की अगर आपने मैराथन क्लास ले ली ना तो ओबीजी का कोई क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम में गलत करके नहीं आए नहीं आओगे ये मेरा वादा है ठीक है अगर आपने ओबीजी के कंटेंट को, को पहले पढ़ा है, तो एमसीक्यू होगी पूरा थियोरी भी डिफरेंट वे में और अलग वे से आपको थियोरी करा रही हूँ क्वेश्चन के साथ करा रही हूँ कि किस तरह से हमें एक अच्छा कॉम्पिटिटर बनना है और अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है राइट चलो तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे फास्ट ए बी सी डी लिगामेंट कनेक्टिंग लिगामेंट और ब्रॉड लिगामेंट आंसर फास्ट कमेंट बॉक्स में सबको लिखना है द लिगामेंट कनेक्टिंग दी टू दैल्विक वॉल टाइम खत्म होने वाला है टू सेकेंड लेफ्ट चलो टाइम खत्म हो गया नाम से ही यहाँ पे पता चल रहा है कौन सा राइट आंसर है डियर पंद्रह परसेंट बच्चों ने ऐसा कैसे हो गया भाई बारह परसेंट ने बी सी वाले आंसर राउंड 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 लिगामेंट लिगामेंट मतलब आपको देख के अच्छा लग रहा है क्या गोल गोल एकदम राउंड -राउंड कर देते हैं इस वजह से राउंड सेलेक्ट कर दिया सबने ऐसा तो नहीं है सही आंसर सिर्फ अर्पण यशमिता मोहित मानसी नवीन फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर ये बच्चे आए हैं चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम सबको पता है ये यूट्रस है और यूट्रस यहां वेजाइना मान लो ये आपका फेलोपियन ट्यूब तो इस वाले रीजन से ट्यूबल ऑस्टिया से एक जो निकलता है ट्यूब लाइक -like स्ट्रक्चर वो होता है फेलोपियन ट्यूब एक यहां से निकलता है ओवेरियन लिगामेंट जो ओवरी को इस तरह से कैच करके रखता है ठीक है और इस साइड में हमारा आता है लेटरल पेल्विक वॉल ठीक है ये हमारा क्या है लेटरल पेल्विक वॉल ओवरी ऐसे झूलता हुआ नहीं रहता दूसरे साइड भी लिगामेंट से कनेक्टेड रहता है यही पूछा था लिगामेंट कनेक्टिंग द ओवरी इस ओवरी को लेटरल पेल्विक वॉल से कनेक्ट करने वाले लिगामेंट का नाम मतलब ब्लू कलर से जो मैंने लिगामेंट बनाया है आपको इस लिगामेंट का नाम पूछा था ना कि ओवेरियल लिगामेंट का आपको ये पूछा था कि ब्लू कलर से जो लिगामेंट बना है जो ओवरी को इस लेटरल पेल्विक वॉल से कनेक्ट करते हैं यह है आपका लेटरल पेल्विक वॉल ठीक है और आपसे पूछा था कि बताओ जो लेटरल पेल्विक वॉल से इस ओवरी को कनेक्ट करता है इस लिगामेंट का नाम क्या है इसे हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट या फिर इसी सस्पेंसरी लिगामेंट का दूसरा नाम होता है इनफंडी पेल्विक लिगामेंट आज के बाद मत भूलना सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट लिगामेंट है जो ओवरी को कनेक्ट करके रखते हैं इस पहले लिगामेंट का नाम है ओवेरियन लिगामेंट इसका नाम क्या है ओवेरियन लिगामेंट और दूसरे लिगामेंट का नाम क्या है इसका नाम है सस्पेंसरी लिगामेंट और सस्पेंसरी लिगामेंट को और क्या बोला जाता है? पेल्विक पेल्विक लिगामेंट, लिगामेंट. इसे ही इन पेल्विक लिगामेंट बोला जाता है तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ये इसका राइट right आंसर जाएगा ओवेरियल लिगामेंट किस ओवरी को कहां से कनेक्ट करता है यूट्रस के

बट गलती हो सकती है तो ध्यान से पढ़ के करना है ध्यान से पढ़ के इस क्वेश्चन का आंसर एबीसीडी के फॉर्म में सबको लिखना है क्या है क्वेश्चन जस्ट बिफोर ओवुलेशन देयर इज क्या होता है फास्ट आंसर करेंगे अपने सपनों को सफल बनाने के लिए अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है पढ़ाई करनी पड़ती है चाहे रात से लड़ो चाहे दिन से लड़ो चाहे दूसरों से लड़ो बट पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ये इसलिए टाइम खत्म हो गया है ये इसलिए कि टाइम खत्म हो गया है जस्ट बिफोर ऑबुलेशन देर इज अफ एस एच एंड एल एच सिक्स सिक्स सिर्फ सात बच्चों का आंसर सही है मोहित मनीष विशाल फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पे आए हैं हाँ कॉन्फिडेंस अब क्या हो गया भाई सात ही लोगों का सही आंसर आप बोलोगे नहीं, नहीं 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 ये तो गलत है ये एल एच सर्ज ही होता है क्योंकि आपने एल एच सर्ज ही पढ़ा है लेकिन अगर मैं बताऊं आप अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ और LH देखो जो सामने स्क्रीन पर आपके सामने है एफ एस एच और एल एच इन दोनों को कहां से सक्रीट किया जाता है ये बताओ एफ एस एच और एल एच इन दोनों को ही एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट किया जाता है याद रखना इस बात को और जब ईस्ट्रोजन बढ़ता है तो हमने क्या बोला एक नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक देगा ठीक है कोई बात नहीं ओबीजी भी आ जाएगा ठीक है ये एल है और जब एल का सर्ज होता है तब उस टाइम पे बहुत ही स्लाइड सा एफ का भी सर्ज होता है ठीक है एफ एस बढ़ता है और नेगेटिव फीडबैक की वजह से फिर डाउन चला जाता है आपको बताया था ना जो ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा नेगेटिव फीडबैक टू द एफ पॉजिटिव फीडबैक टू द एल तो एल एकदम से बढ़ना स्टार्ट हुआ जिसे हमने बोला एल सर्ज लेकिन जो एफ पहले बढ़ा हुआ था वो एकदम से फिर क्या होगा डाउन जाएगा तो बढ़ा हुआ था डाउन जाएगा तो उसका भी सर्ज हुआ था जिस वो भी बढ़ा था और फिर नेगेटिव की वजह से कम हो गया तो आपको इस टाइम पे दिखेगा कि एफ और एल दोनों ही बढ़े हुए हैं ठीक है ठीके? दोनों का ही सर्ज हुआ है ठीक है तो ये चीज थोड़ा याद रखना एफ और एल दोनों का सर्ज होता है ठीक है 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 और LH दोनों का सर्च होता डायग्राम जो है, वो आपको याद रखना है क्लियर है समझ में आ रहा है आपको जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन्स होते हैं ये देख लो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन का भी देख लेना प्रोजेस्ट्रॉन कांस्टेंट रहता है लेकिन ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्ट्रॉन पीक पे जाता है ये प्रोजेस्ट्रॉन है और पिंक से जो दिखाया हुआ है ये ईस्ट्रोजन है ईस्ट्रोजन पहले हाई होगा और फिर

एलएस सर्च का मीनिंग क्या होता है कि मान लो ये एलएस सर्च है एलएच अगर एक ये क्या होगा एक सेकंड रुको ये ये आपका एलएच सर्च है ठीक है एलएच एकदम से पढ़ना स्टार्ट हुआ तो इसे हमने बोला एलएच सर्च जो कि 24 से 36 घंटे पहले होता है लेकिन एलएच एट द पीक अगर पूछा जाता है एलएच एट द मैक्स अगर पूछा जाता है तो इसका क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएगा अगर किसी फीमेल को यहां पे ओव्यूलेशन हो रहा है

एफएसएस ज्यादा सर्च नहीं होता स्लाइटली बढ़ता है इस पॉइंट को भी याद रखना चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे सामने है ये एम्स का आया हुआ क्वेश्चन है एम्स दिल्ली ने इस क्वेश्चन को इमेज बेस्ड के फॉर्म में पूछा हुआ है लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिटेल पोजीशन एल ओ ए एल ओ पी आर ओ ए आर ओ पी सबको देखना है और सही आंसर करना है ठीक है भाई फास्ट 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 आंसर सबको कमेंट बॉक्स में लिखना है चलो पोलिंग स्टार्ट कर दी है लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई ऑफ फीटल पोजिशन सबको बच्चा दिख रहा है सबको बच्चा बढ़िया दिख रहा है सबको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है एबीसीडी के फॉर्म में करना है यस वेरी गुड वेरी गुड एक्सेलेंट हाँ, पोजीशन को अभी बताएंगे जिसको भी कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन आज ही क्लास में दूर हो जाएगा आप कभी गलत नहीं करोगे टाइम खत्म हो गया है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं कितने बच्चों ने बच्चों ने ने किया सिर्फ पी वाई क्यू है और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी गलती करते हो तो फिर समझ जाओ कि आपको अभी तैयारी की और ज्यादा जरूरत है ठीक है चलो तो देख लेते हैं ज्योति नवीन और मनोज फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे आए हैं अब सबसे पहले तो इस पेल्विस को देखो पेल्विस सबको दिख रहा है पेल्विस के अकॉर्डिंग ही आप पोजीशन को बताओगे जब आपको पेल्विस का पता होगा ये पेल्विस का राइट right साइड है और ये पेल्विस का लेफ्ट साइड है और इसके कंपैरिजन में क्योंकि पोजीशन का मतलब और पोजीशन का डेफिनेशन ही यही होता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन मेटर्नल पेल्विस एंड फीटस डिनोमिनेटर इंडिकेट द फीटल पोजिशन

ओ ओ से डिनोट करते हैं वो डिनोमिनेटर होता है ऑक्सीपुट और ऑक्सीपुट को चेक करना है कि बच्चे का ऑक्सीपुट लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में सबसे पहले चीज देख लो तो हमने देखा बच्चे का जो है 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 वो राइट साइड में है, तो आर लगा दिया ठीक अब हम देखते हैं बच्चे का स्पाइन दिख रहा है ये बटक्स भी दिख रहा है यहाँ से बच्चा जो है उसका ऑक्सीपुट जो है वो कहाँ की साइड में है एंटीरियर साइड में पीछे रहता तो उसका फेस दिखता मान लो बेबी है अगर उसका

प्लीज मत करना एक दो इमेज और प्रैक्टिस करवा देती हूँ जिससे आपको कभी गलती नहीं होगी समझ में आया क्या एल ओ ए लेफ्ट में तो है ही नहीं तो एल वाला तो पहले ही काट दो और पी वाला पोस्टीरियर में जब ऑक्सीपुट होता तो आपको दिखता है क्या अभी तो आपको ऑक्सीपुट दिख रहा है अगर ऑक्सीपुट पीछे चला जाता तो आपको दिखता ही नहीं बच्चे का फेस आगे दिखता बात आ गई समझ में इसलिए आर ओ पी नहीं आर ओ ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एग्जाम में नॉर्सेट सेट में आया हुआ है इसलिए प्लीज इसको याद रखें आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कुछ और इमेज की प्रैक्टिस करवा देती हूं अगर आपको क्लियरली विजिबल है तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो।, हो जाएगा परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि आपको अभी दस दिन बचे और पढ़ाई करनी है ये नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ इसलिए मैराथन सेशन लगाया गया है कि एक मस्त वाला रिवीजन आपके ओबीजी का हो जाए परेशान मत हो देखो जब बच्चा लेफ्ट साइड में होगा तो ये देखो उसका ऑक्सीपुट कहा है लेफ्ट साइड में सबसे पहले उसके ऑक्सीपुट को देखो तो बच्चा एंटीरियर में है ऑक्सीपुट हमें दिख रहा है हमने बोला एल ओ ए है बच्चा जब साइड में चला जाएगा तो बच्चे का देखो ये एक ही स्पाइन बटक्स दिख ही नहीं रहे यहाँ पे दोनों बटक्स दिख रहे हैं ये इससे भी आप कर सकते हो ऐसे प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे क्या हो गया लेफ्ट साइड में है ऑक्सीपुट है और ट्रांसवर्स में है तो एल ओ टी हो गया ट्रांसवर्स में है क्योंकि उसका एक ही पटक दिख रहा है दूसरे साइड का दिख ही नहीं रहा स्पाइन भी हमें विजिबल नहीं है जब बच्चा पोस्टीरियर में जाएगा जब उसका ऑक्सीपुट पीछे चला जाएगा तो बच्चे का जो फेस और एक्सट्रीमिटीज वाला पार्ट है वो आपको आगे की तरफ दिखेगा तो ये हो जाएगा एल ठीक है सेम ऐसा ही राइट साइड में करते हैं और ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था बच्चे का दोनों बटक्स दिख रहा है बच्चा राइट साइड में है ऑक्सीपिटो में है और इंटीरियर साइड में है यहाँ बच्चा ट्रांसवर्स में चला गया बच्चे का स्पाइन नहीं दिख रहा है बटक्स नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये आर ओ टी है और जब राइट साइड में ऑक्सीपुट पोस्टीरियर की तरफ चला जाएगा तो उसका एक्सट्रीमिटीज और फेस वाला पार्ट आपको पूरा दिखेगा तो इसका मतलब वो पी है याद कर लेना ये छह छह पोजीशन पोजीशन और से से एग्जाम 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 में में क्वेश्चन क्वेश्चन आएगा आएगा इसी के अंदर कभी गलती नहीं होगी याद रखना ठीक है कभी गलती नहीं होगी बस इन दोनों इमेज की प्रैक्टिस कर लेना जो मैंने अभी करवाया है नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, granulosa cells. Granulosa cells किस एंजाइम की हेल्प से ग्रेन्यूलोसा सेल्स जो है वो इस्ट्रोसर को प्रोड्यूस करते हैं एल्कलाइन फॉस्फेटेज एरोमेटेज एसिड फॉस्फेटेज एंड ग्लूकोरिडिल्स ठीक है जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करो <coughs> चलो फास्ट कमेंट बॉक्स में सबका आंसर आना चाहिए पूरे लोग आंसर नहीं कर रहे ये पता चल रहा है पे फास्ट फास्ट टाइम खत्म होने वाला है टाइम खत्म हो गया है अब बताओ ग्रेन्यूलोसा सेल से किसको सिक्रीट किया जाता है एंड्रोजन को एंड्रोजन कहा जाता है

ड गेम रॉक संध्या सिंह ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे है जिन्होंने फास्ट आंसर किया है एंजाइम बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मैंने क्या बोला कि ये जो सेल है इस ग्रेन्यूलो पे होता है ये ओवरी के अंदर ठीक है ओवरी से सेल से किसको सिक्रीट किया गया एंड्रोजन को और ये एंड्रोजन ये एंड्रोजन कहां पे जाएगा टिश्यू के पास और इस टिश्यू के पास क्या है इस एडिपोस टिश्यू के पास में क्या है एक एंजाइम है उस एंजाइम का नाम क्या है एरोमेटेज इस, 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 इस एरोमेटेज एंजाइम ने क्या किया इस एरोमेटेज एंजाइम ने इस एरोमेटेज एंजाइम ने इस एक सेकेंड मैं यहां पे लिख दूं इस एरोमेटेज एंजाइम ने क्या किया इस एरोमेटेज एंजाइम ने इस एंड्रोजन को किस कन्वर्ट कर दिया एस्ट्रोजन में तो एस्ट्रोजन का एक सोर्स कौन होता है ये

मेंस्ट्रुएशन साइकिल के कौन से दिन पे प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रीशन सबसे ज्यादा होता है बताया हुआ है ठीक है बताया हुआ है फास्ट आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में फास्ट 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 सबको आंसर करना है फास्ट आंसर करना है चलो 16th डे 20th डे 22nd डे 24th डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 दिन के मेंस्ट्रुएशन साइकिल के हिसाब से बताना है आपको प्रोजेस्ट्रॉन का सिंथेसिस सबसे ज्यादा कब होगा चलो वेरी गुड एबीसीडी लिखना है ए बी सी डी बस थैंक यू सो मच मीनाक्षी थैंक यू सो मच चलो नाइन्टी वन परसेंट बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया एक्सेलेंट मीनाक्षी फर्स्ट पे है दीक्षा सबा ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड आए हैं ठीक है थीके? आप जो लिखते हो उससे हमें भी एनर्जी मिलती है आप ही तो मोटिवेशन हो आप ही तो हमारी एनर्जी का एक सोर्स हो समझ में आ रहा है तो आप तो भाई साहब बिल्कुल आप ही के लिए तो किया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट होंगे और एम्स में जाके बैठेंगे तब मैं बोलूंगी वाओ जो आप लिखते हो ना वो वाओ लेक्चर वो वाव लेक्चर अगर इफेक्टिव करे और आपको एम्स तक पहुंचा दे तब मैं मानूंगी कि जो मेरा लेक्चर था वो वाओ लेक्चर था ठीक है है तो ऐसी जो प्रिपरेशन वो आपको करनी है चलो क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन में पूछा था कि का सिंथेसिस तो सबसे पहले याद रखना कॉर्पस ल्यूटियम ओ कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कब होता है कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन चौदह दिन के बाद जब ऑब्युलेशन हो जाता है तो उसके जो ग्रेन्यूलोसा उसके जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं रक्चर्ड पीसेस ऑफ सेल्स uh, होते हैं फॉलिकल्स उसी से किसका फॉर्मेशन होता है कॉर्पस ल्यूटियम का और इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने वाला जो एक हार्मोन नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर होता है वो एल यही एल क्या करता है इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है और ये कॉर्पस ल्यूटियम तीन टाइप के हार्मोन का सिक्रीशन करता है जिसमें सबसे ज्यादा अगर पूछा जाएगा ना मैक्सिमम सिक्रीशन वो प्रोजेस्ट्रॉन का करता है वो प्रोजेस्ट्रॉन का करता है का भी सिक्रीशन करता है और ये इनहिबिन का भी सिक्रीशन करता है किसका सिक्रीशन करता है डियर इनहिबिन का भी सिक्रीशन करता है का का भी सिक्रीशन करता है, और का भी सिक्रीशन सिक्रीशन करता करता है है और लेकिन प्रोजेस्ट्रॉन मैक्सिमम लेवल पे करता है याद रखना ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये कॉर्पस ल्यूटियम ये कॉर्पस ल्यूटियम अपने साइज में ये मान लो अट्ठाइस दिन का साइकिल है अट्ठाइस है एक है चौदह दिन पे ऑव्यूलेशन हुआ है और चौदह दिन के बाद ही कॉर्पस ल्यूटियम को फॉर्म किया गया तो ये अपने मैक्सिमम साइज पे कब होगा ये हमारे एग्जाम का ये हमारा क्वेश्चन था ठीक है तो मेंसुरेशन साइकिल के आठ दिन बाद मींस ऑब्यूलेशन uh, के आठ दिन बाद के दिन बाद कॉर्पस ल्यूटियम अपने मैक्सिमम साइज पे होता है आप बोलोगे मैम प्रोजेस्ट्रॉन का क्वेश्चन है और बार बार आप कॉर्पस ल्यूटियम को समझा रहे हो क्यों भाई ऐसा क्योंकि शन के ऑब्युलेशन मान लो चौदह दिन पे हुआ है उसके आठ दिन बाद कॉर्पस ल्यूटियम अपने मैक्सिमम साइज पे होगा और जिस दिन कॉर्पस ल्यूटियम अपने मैक्सिमम साइज पे होता है तभी ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रीशन करता है मैक्सिमम प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रीशन तो मैक्सिमम प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रीशन कब होगा जब कॉर्पस ल्यूटियम अपने मैक्सिमम साइज पे होगा कॉर्पस ल्यूटियम अपने मैक्सिमम साइज पे कब होता है तो हम बोलते हैं एट डेज एट डेज आफ्टर ऑब्यूलेशन आफ्टर ऑब्यूलेशन और मैं साइकिल का ये कौन सा दिन होता है ऑब्युलेशन के आठ दिन बाद तो हम बोलते हैं ट्वेंटी का ये बाईसवा दिन होता है ट्वेंटी टू डे होता है ट्वेंटी टू डे पे 28 में से 22 डे पे कॉर्पस ल्यूटियम भी अपने मैक्सिमम साइज पे होता है और वो सबसे ज्यादा प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रीशन करता है राइट समझ में आ गया अबाउट द कॉर्पस ल्यूटियम चलो भाई आई होप सो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि क्यों इसका सी आंसर सही है का आया हुआ। ये तो आपने पी वाई क्यू सॉल्व किया होगा तो भी आपको पता चल गया होगा कि ये इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या होगा लुक एट पिक्चर एंड आइडेंटिफाई रिप्रोडक्टिव साइन चेक्ट बाई प्रोवाइडर आपको इमेज देखना है और बताना है कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने अपने हाथों से इस रिप्रोडक्टिव साइन को चेक किया है उसका नाम क्या है चैडविक साइन 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 हेगार और फास्ट आंसर कमेंट बॉक्स में अब करो मैंने पोलिंग अब स्टार्ट की है फास्ट 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 चैडविक ऑसियडर हेगार एंड गॉडल्स आग लगनी चाहिए कमेंट बॉक्स में भाई साहब जोश बरकरार रहना चाहिए हिम्मत रहनी चाहिए नॉर्थ सेट तक हिम्मत नहीं हारनी है उसी जो उसके साथ में कमेंट बॉक्स में फास्ट सबको आंसर करना है पार्टिसिपेट क्वेश्चन में सबको करना है तभी आपको असली मजा आएगा और क्वेश्चन समझने में भी अच्छा लगेगा सही या गलत करना सबको है ठीक है चलो भाई टाइम ही खत्म हो गया और ये जो साइन है ये कौन सा साइन है बताओ ये है आपका हेगार साइन इसे हम क्या बोलते हैं हेगार नाइनटी टू परसेंट स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर किया है ओम प्रकाश राजश्री और सूजी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आए हैं तो इस तरह से जो चेक किया जा रहा है आप देख सकते हो क्या चेक कर रहे हैं सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट क्या चेक कर रहे हैं सॉफ्टनिंग ऑफ द सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट को चेक किया जा रहा है सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट को चेक कर रहे हैं और इसे हम बोलते हैं हेगार साइन क्या बोलते हैं डियर हेगार साइन हम बोलते हैं इसको चैडविक साइन को और क्या बोला जाता है जैकमियर साइन इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो पता चल गया सी राइट आंसर है क्यों क्योंकि ये हेगार साइन को एक ही साइन ऐसा है इमेज के फॉर्म में दिखाया जाता है ठीक है इमेज के फॉर्म में दिखाया जाता है सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट को चेक कर रहे हैं हेगार साइन है चैडविक साइन को क्या बोला जाता है जैकमियर साइन बोला जाता है क्या बोला जाता है जैकमियर साइन और इसी को हम क्या बोलते हैं डस्की यूबे

नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को आराम से ध्यान से पढ़ के करना है द फिजिशियन हैज ऑर्डर्ड एन इंजेक्शन ऑफ रोगम ठीक है फॉर द पोस्ट पार्टम क्लाइंट ब्लड टाइप ए नेगेटिव जिस फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या है ए नेगेटिव है बट बेबी इज ओ पॉजिटिव लेकिन उसका जो बच्चा फीटस है वो पॉजिटिव है टू प्रोवाइड पोस्ट पार्टम

ठीक है बच्चे के पास टाइम कम क्वेश्चन एक दो भी दस क्वेश्चन भी बड़ा डाल दिया ना बच्चा वही सिर पकड़ के बैठ जाता है यार पढ़ना पड़ेगा क्या है पढ़ने के बाद पता चलता है ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था ठीक है तो प्रैक्टिस करोगे तो वहां पे सही रहेगा आप टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा चलो टाइम खत्म हो गया है बहुत कम बच्चों ने आंसर दिया ऐसा क्यों क्वेश्चन तो सिंपल है

ठीक है पोस्टमार्टम क्लाइंट मतलब ये जो मदर है इसमें मदर क्या होती है negative. देखो मदर क्या है 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 और जो जो जब बच्चा बच्चा पैदा पैदा हुआ है अभी, जो बच्चा अभी पैदा हुआ अभी अभी वो क्या है o, positive है और जब examiner या प्रोवाइडर को पता चलता है कि मदर नेगेटिव और बच्चा पॉजिटिव तब एंटीडी का इंजेक्शन लगाते हैं एक स्टैंडर्ड डोज में हम बात करें तो 300 माइक्रोग्राम या 1500 इंटरनेशनल यूनिट ये डोज जो है लगाया जाता है कैसे लगाते हैं आईएम लगाते हैं ठीक है कैसे लगाते हैं आईएम लगाते हैं लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा था कितने घंटे में डिलीवरी के कितने घंटे के अंदर अंदर ये इंजेक्शन लग जाना चाहिए उसका राइट right आंसर है विद इन आवर्स ऑफ द डिलीवरी बहत्तर घंटे के अंदर अंदर सेवेंटी टू आवर्स के अंदर अंदर ये इंजेक्शन लग जाना चाहिए इसलिए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या है ए है वन वीक टू वीक वन मंथ बहुत लेट हो जाएगा राइट आंसर इज सेवेंटी टू आवर्स ऑफ डिलीवरी क्वेश्चन था ना सिंपल क्वेश्चन था ना सिंपल मैम क्लास में भी बताया था आपने चलो कोई बात नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑफ ईस्ट्रोजन इज एस्ट्रोजन के टाइप्स पता होने चाहिए और मोस्ट पोटेंट एस्ट्रोजन कौन सा होता है और लीस्ट पोटेंट एस्ट्रोजन कौन सा होता है ये आपको पता होना चाहिए तो शायद इस क्वेश्चन के आंसर में आप गलती नहीं करोगे मैंने पोलिंग स्टार्ट कर दिया है और आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है E1 E2 E3 E1 E3 E2 E3 E1 E2 एंड E2 E1 E3 A B C D बस फास्ट कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो जल्दी से जल्दी ए बी सी डी फास्ट वेरी गुड एक्सलेंट बहुत बच्चे बढ़िया 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 जल्दी जल्दी आंसर लिखना है और टाइम हो गया है खत्म टाइम हो गया है खत्म क्वेश्चन क्या पूछा था क्वेश्चन क्या पूछा था मोस्ट और लीस्ट को बताना है अरे ये क्या हो गया ये तो मोए मोए हो गया आपके साथ में सच में मोए मोए हो गया पांच परसेंट बच्चों का आंसर सही निकला है एट्टी सिक्स परसेंट बच्चों का आंसर गलत क्योंकि उन्होंने फॉर्मूला लगाया टू वन थ्री फोर और यहाँ पे ये नहीं देखा कि भाई साहब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कौन से ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या बोलते हैं बढ़ते क्रम में बढ़ते क्रम में क्या होता है मोस्टोर्टेंट टू लीस्टेंट तो लीस्टेंट पहले और मतलब आप सिंपल सिंपल से इंग्लिश के टर्म में गलती करते हो मुझे तो ये लगता है इंक्रीजिंग ऑर्डर आप यहीं पे गलती कर देते हो इसका यहाँ जो आंसर आदिल ने फर्स्ट नवनीत और वर्षा ठीक है दो तीन बच्चों ने सही आंसर पांच बच्चों ने ठीक है मानसी और साइबा बस इन बच्चों ने आंसर सही बताया है तो आपको मैंने कितनी बार बताया कि जो ईस्ट्रोजन होता है ईस्ट्रोजन के टाइप्स की अगर हम बात करें तो ई वन ई टू थ्री और ई फोर चार टाइप का ईस्ट्रोजन होता है ई को हम क्या बोलते हैं ईस्टर वन बोलते हैं ई को हम क्या बोलते हैं ईस्ट्रा डायोल बोलते हैं ई को हम क्या बोलते हैं इस्ट्रायल बोलते हैं और ई को हम क्या बोलते हैं इस्टेक्ट्रॉल बोलते हैं

ठीक है लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इसको क्या करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पोटेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पोटेंसी में लिखे तो हम क्या लिखेंगे ठीक है ये हमारा क्या होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पोटेंसी मीन ये हमारा मोस्ट पोटेंट होगा ये हमारा मोस्ट पोटेंट होगा और ये हमारा सबसे लीस्ट पोटेंट होगा लीस्ट पोटेंट होगा और इस क्वेश्चन में कहीं पे फोर है ही नहीं तो हमें आंसर क्या करना था हमें आंसर क्या करना था पीछे से टू वन थ्री चेक करना था पीछे की तरफ से टू वन थ्री कौन से ऑप्शन में है सी में है यहाँ टू ये भी नहीं है थ्री टू वन ये भी नहीं है ये भी नहीं है इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या जाता है सी आई होप सो सबने समझ लिया होगा और एक चीज और याद रखना प्रेगनेंसी में अगर पूछा जाए मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्टिव एज में मोस्ट कॉमन तो ये रिप्रोडक्टिव एज में मोस्ट कॉमन होता है ये प्रेगनेंसी में मोस्ट कॉमन होता है और इस ट्रायल प्रेगनेंसी में मोस्ट स्पेसिफिक होता है मोस्ट स्पेसिफिक पूछा जाए E3 होता है मोस्ट कॉमन होता है ये आपका मीनोपोजल फीमेल में होता है कौन से फीमेल में मोस्ट कॉमन पाया जाएगा मीनोपोजल फीमेल में तो ये है बात स्ट्रोजन के बारे में जो कि आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है एसई आर एम यूज फॉर कॉन्ट्रासेप्शन एसईआर अब कितने बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता एस सी आर एम का फुल फॉर्म क्या है वो सोचते यार काश आर एम का फुल फॉर्म लिखा होता ना एम्स वालों ने तो शायद मैं इस क्वेश्चन का सही आंसर करता बट यही तो क्वेश्चन में है कुछ चीजें एसईआरएम यूज फॉर कॉन्ट्रासेक्शन रेलॉक्सी फैन और मेलोक्सी फैन क्लोमिक क्लोम्बी फैन और टेमोक्सी फैन बताओ राइट आंसर को कमेंट बॉक्स में एबीसीडी के फॉर्म में लिखना है ए बी सी डी के फॉर्म में अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में फास्ट 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 लिखो अभी तो पूरा पढ़ना बाकी है एक बजे तक क्लास होगी जो पूछ रहे हैं एक बजे तक क्लास होगी अभी तो असली उड़ान बाकी है परिंदे का इंतहान बाकी है अभी अभी तो लांगा है समंदर अभी तो पूरा आसमान बाकी है तो अभी तो भाई साहब और भी क्वेश्चन आएंगे अभी इंतजार करो पढ़ाई करो प्रैक्टिस करो ओबीजी को एक दिन में खत्म करना इतना आसान नहीं है जो नब्बे से सौ घंटे में ओबीजी पढ़ते हो उसको अगर तीन से चार घंटे में रिवाइज करने को मिल रहा है तो क्या बात है चलो क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन क्या था एसईआरएम यूज फॉर कॉन्ट्रासेप्शन कॉन्ट्रासेप्शन के लिए इसमें से एसईआरएम -E के कौन से कैटेगरी ऑफ ड्रग को सेलेक्ट करना होता है बताओ भाई राइट right आंसर कितने बच्चों ने किया है बाईस परसेंट बच्चों ने सिर्फ सही आंसर किया बाकी सबका गलत जा रहा है सिक्सटीन बच्चों का आंसर ठीक है हनुमान रीमा और श्वेता ठीक है इन बच्चों का आंसर जो है वो ठीक है मतलब बी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन क्या था एसईआरएम -E और आप सबको पता है एसईआरएम -E का मतलब क्या होता है सेलेक्टिव सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर रिसेप्टर मॉड्यूलेटर ड्रग मॉड्यूलेटर या मॉडिफायर जो भी बोलते हैं मॉड्यूलेटर ड्रग सेलेक्टिव इस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर ड्रग एसईआरएम को हम बोलते हैं और इस एसईआरएम -E की ग्रुप में जो ड्रग आता है वो रेलोक्सिफेन लेकिन इस रेलोक्सिफेन को कहाँ पे यूज किया जाता है मेनोपॉजल फीमेल हैविंग ऑस्टियोपोरोसिस कहां पे यूज करते हैं मेनोपॉजल फीमेल हैविंग ऑस्टियोपोरोसिस अगर फीमेल को क्या हो जाए ऑस्टियोपोरोसिस कौन सी फीमेल को ऑस्टियोपोरोसिस जिस फीमेल को मीनोपोजल एज में है तो उसमें हम यूज करते हैं रेलॉक्सी फैन ठीक है और लेक्सोफेन अगर पूछा जाए तो ये किस में यूज करते हैं बताओ ये हम करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के लिए कहां पे प्रेजेंट होता है कोई बता सकता है क्या अगर आपने कॉन्ट्रासेप्टिव वाला चैप्टर पढ़ा है तो बताओ इसको कहां पे यूज करते हैं अच्छा है दिन अच्छा है कोई बात नहीं घबराने की जरूरत नहीं है मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर बताएंगे ये किसका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो और फैन होता है किसका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है सहेली नाम सुना है वेरी गुड जय श्री नाम ने बताया सहेली या सेंट क्रोमान सेंट क्रोमान या सहेली सेंट क्रोमान या फिर सहेली इसका ये एक एक्टिव इंग्रेडिएंट पूछा जाए इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ सेंट प्रोमान ठीक है एक्टिव इंग्रेडिएंट ये एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है और मोलेक्सी फैन जो आपका है एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है सेंट प्रोमान और सहेली का इसके अंदर जो कंटेंट होता है ठीक है क्लोम्बी 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 फैन 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 बताओ klombifan, klombifan. इस klombifan को हम कहां पे यूज करते हैं ओव्यूलेशन के लिए ठीक है अगर हमें ओव्यूलेशन इंड्यूस करवाना है ओव्यूलेशन इंड्यूस करवाना है तो हम एस एम -E के कौन से ग्रुप का ड्रग यूज करते हैं क्लोम्बी फैन सिट्रेट पूरा नाम क्या है क्लम्बी सिट्रेट इसका यूज करते हैं और टेमोक्सी का यूज हम कहाँ पे करते हैं ड्रग ऑफ चॉइस इन ब्रेस्ट कैंसर किसमें करते हैं डियर ब्रेस्ट कैंसर में यूज करते हैं आई होप सो ड्रग्स वाला पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करेंगे और बताएंगे विच टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन

फास्ट विच टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन शोन इन द गिवन इमेज कमेंट बॉक्स में सबको आंसर लिखना है फास्ट हैंड शोल्डर कंपाउंड वॉट देखते हैं कितने बच्चों ने सही आंसर लिखा है थर्टी सिक्स परसेंट बच्चों ने देखो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं लेकिन आप क्या कहते हो यार हमें तो हार्ड पढ़ना हमें ये नहीं पढ़ा उसका रिवाइज कर लेते हैं एग्जाम से पहले जो पढ़ा हुआ है उसी का रिवीजन होता है और आप इजी चीजों को ना पढ़ के सिली मिस्टेक करके ठीक है तो यहाँ पे, तो पे हेमा आलिया और दीपिका ने सही आंसर किया है बाकी सबने गलत तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बच्चा किस में है सिपालिक हेड भी है प्रेजेंटिंग पार्ट में हेड भी है लेकिन हेड के साथ साथ उसका एक हाथ भी बाहर की तरफ आ रहा है जब एक से ज्यादा पार्ट पेल्विक कैविटी के अंदर हो तब उसे बोला जाता है कंपाउंड प्रेजेंटेशन ठीक है मोर देन वन फीटल पार्ट मोर देन वन फीटल पार्ट इन साइड द पेल्विक कैविटी इन साइड कैविटी एट अ टाइम एक टाइम पर पेल्विक कैविटी के अंदर बच्चे का एक से ज्यादा फीटल पार्ट्स का होना क्या कहलाता है कंपाउंड प्रेजेंटेशन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सी इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल राइट right आंसर है वॉरटेक्स प्रेजेंटेशन नहीं होगा हैंड प्रेजेंटेशन नहीं होगा और शोल्डर प्रेजेंटेशन होता तो बच्चा इस तरह से लेटा होता ये वाला पार्ट प्रेजेंटेशन होता शोल्डर के अंदर ठीक है उसका हाथ बाहर है शोल्डर वाला पार्ट नहीं है शोल्डर तो भाई साहब पीछे की तरफ यहां है जिन्होंने भी आंसर किया है देखो ना डायग्राम एक क्लियरली दिख रहा है ठीक है तो ये वाला पार्ट नहीं होगा सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट right आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है बताओ अ थर्टी ईयर ओल्ड फीमेल फेशियल हेयर ग्रोथ क्या हो रहा है फीमेल को लेवल या सेवेंटी ओ एच प्रोजेस्ट्रॉल लेवल ये भी ड्रग्स से रिलेटेड क्वेश्चन है सिंपल है ज्यादा हार्ड नहीं है पढ़ोगे तो हो जाएगा ठीक है अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो हो एक 30 साल की फीमेल है है इयर्स क्या कंप्लेन कर रही है कि मेरे फेस पे हेयर ग्रोथ रहा है और मुझे साइकिल चालीस दिन पचास दिन बाद आ रहा है पैंतीस दिन बाद आ रहा है ठीक है लेट आ रहा है तो बताओ इन्वेस्टिगेशन में आप सबसे प्रायोरिटी में क्या करवाओगे कि इस केस में प्रायोरिटी में हमें यह इन्वेस्टिगेशन कराना है एबीसीडी में आंसर लिखेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर फास्ट 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 टाइम अप हो गया है खत्म अच्छा आंसर देना पड़ेगा चलो देखते हैं राइट आंसर एट्टी वन परसेंट बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है और नवीन मनीषा फेस वर्ल्ड ये जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे आए हैं ठीक है क्वेश्चन क्या है फेशियल हेयर ग्रोथ मतलब क्या हो रहा है हिस्टिज्म हिस्टिज्म का मतलब क्या होता है मेल लाइक हेयर ग्रोथ इन फीमेल

और पॉलिसिस्टिक के क्लिनिकल फीचर्स में आप क्या पढ़ते हो Histism होता है इंसुलिन में कंडीशन को मिलता है पीसीओडी के अंदर होता है और पीसीओडी में प्रॉब्लम क्या हो जाता है मल्टीपल सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है मल्टीपल सिस्ट इज कॉल्ड एज पीसीओडी जिसके अंदर सबसे मेन कॉज में पूछा जाए तो होता है इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल फीमेल जो जो में भी लेकिन कम होता है लेवल अगर मेल में वो तीन सौ या ढाई सौ होता है तो फीमेल में 15 से 20 के रेंज में रहता है लेकिन अगर यही टेस्टोस्टिरोन का लेवल फीमेल के अंदर बढ़ जाए तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं पीसीओडी

आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और फिर आंसर करना है एक ट्वेंटी टू ईयर्स ओल्ड फीमेल कंप्लेनिंग ऑफ इरेगुलर साइकिल क्या कंप्लेन कर रही है कि मुझे इरेगुलर साइकिल्स हो रहा है वेट गेन भी हो रहा है एंड डिसकलरेशन ऑफ द नेक और मेरे नेक के ऊपर आप डिसकलरेशन देख सकते हो डॉक्टर को खोल के दिखाया है कि देखो इस तरह से नेक पे मुझे डिसकलरेशन हो रहा है कितना भी मैं घिस रही हूँ ये मैल नहीं है ये जा नहीं रहा ठीक है थीके? अल्ट्रासाउंड रिवील्ड मल्टीपल सिस्ट और अल्ट्रासाउंड जब किया तो मल्टीपल सिस्ट दिखा है the the क्या को? ध्यान देना. Hyper hyper अपना आंसर कमेंट बॉक्स में फास्ट लिखेंगे ठीक है पोल को मैंने यहाँ पे रखा है आप फास्ट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो सोच समझ के आंसर करना है सोच समझ के फिर आंसर करना है चलो गलती होगी कोई बात नहीं लेकिन आंसर तो करो ऐसा नहीं क्वेश्चन देख के ही हम आंसर नहीं कर रहे क्वेश्चन ही आपने ऐसा पूछा कि आंसर करने का मन ही नहीं कर रहा भाई साहब क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे क्वेश्चंस जब ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तभी तो वहां पे काम चलेगा Easy, easy करके क्या होगा? <coughs> चलो टाइम खत्म हो गया है और चलो यही आंसर टिका देते हैं यहाँ पे भी मैम ने एक साथ ही दो क्वेश्चन उठा लिए होंगे यही क्वेश्चन टिकाते भाई साहब क्वेश्चन की लाइन को पढ़ो क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है क्या आपसे डिमांड कर रहा है उस चीज को कैच करो गिद्ध की नजर बनाओ गिद्दी की नजर टिकाओ इस पे ठीक है तो देख लेते हैं किन बच्चों ने सही आंसर किया आलिया मीनाक्षी सुष्मिता रिया और यश्मिता ये सात बच्चों ने सही आंसर किया है उन्होंने आंसर किया हाइपर इंसुलिनिज्म क्वेश्चन में सब कुछ बताया हुआ था लेकिन उसका मेन टारगेट आपसे पूछने का था कि भाई उसको इरेगुलर साइकिल है वेट गेन है डिस्कलरेशन ऑन द नेक है अल्ट्रासाउंड रिवील मल्टीपल सिस्ट भी है ओवरी के अंदर वो भी अल्ट्रासाउंड से पता लगा लिया गया है मेटाबोलिक एबनॉर्मैलिटी विच नीडेड टू बी रूल्ड आउट इन देशेंट इसको देखकर इस कंडीशन को जो इमेज में दिखाया गया है इससे आपको यह बताना था कि कौन सा मेटाबोलिक कौन सा मेटाबोलिक एब्नॉर्मैलिटी होता है किसके अंदर पीसीओडी के अंदर क्योंकि पता तो सबको चल गया है कि यह कंडीशन क्या है पीसीओडी जिसमें मल्टीपल सिस्ट है और फीमेल को इतने सारे सिम्टम्स आ रहे हैं लेकिन क्वेश्चन ने मेटाबोलिक एबनॉर्मैलिटी पूछा था तो बच्चों ने आंसर क्या किया है कुछ बच्चों ने ये किया है हाइपर एंड्रोनिज्म ये तो हार्मोनल रिलेटेड यहाँ आंसर नहीं करना था आपको मेटाबॉलिक मेटाबोलिक में बताना है कि इंसुलिन बढ़ रहा है कम हो रहा है तो सबसे पहली चीज याद रखना ये जो गले पे साइन दिख रहा है ना ब्लैकेशन जो इस फीमेल ने बताया है ये किस वजह से होता है इसे हम बोलते हैं निग्रिकेंस ये इस एक स्किन की बीमारी होती है जिसका नाम क्या होता है डियर एक निग्रिकेंस बोलते हैं जो कि ये स्किन में प्रॉब्लम होता है किस वजह से होता है ये याद रखना जब इंसुलिन का रेसिस्टेंट हो जाता है और इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाएगा तो ग्लूकोज का लेवल फीमेल की बॉडी में क्या होगा बढ़ेगा ठीक है समझ में आ रहा है तो फीमेल में इंसुलिन रेसिस्टेंट होने की वजह से उसका पेंट्रियास क्या करते है? और भी ज्यादा इंसुलिन का सिक्रीशन करता है तो डायबिटीज मिलाइटिस की कंडीशन होती है लेकिन हार्मोनल इंबैलेंस में पूछा जाएगा कि इंसुलिन हार्मोन यहाँ फीमेल की बॉडी में ज्यादा होता है लेकिन अपना काम नहीं कर पाता फीमेल को होता क्या हाइपर इंसुलिज्म की प्रॉब्लम होती है ए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर जाएगा तो अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सा मेटाबॉलिक एबनॉर्मैलिटी नीडेड टू बी रोल्ड आउट इन द पेशेंट तो यहाँ पे किसको रूल आउट करने की जरूरत है इस हाइपर इंसुलिनिज्म को रूल आउट करने की जरूरत है क्योंकि तो इंसुलिन अपना काम नहीं कर रहा है और हमें पता है इंसुलिन रेसिस्टेंट होने की वजह से ही ये स्किन की प्रॉब्लम फीमेल में होता है एक निग्रीकेंस का मेन कारण मेन कारण क्या है इंसुलिन का रेसिस्टेंट होना याद रखना एक निग्रीकेंस जो इस डिजीज में इस इमेज में दिखाया गया है एकेथसिस निग्रीकेंस जिसके अंदर क्या होता है निग्रीकेंस

इंसुलिन और ज्यादा सिक्रेट होगा क्योंकि ग्लूकोज का लेवल बॉडी में पड़ रहा है उसको कम करने के लिए ग्लूकोज और ज्यादा सिक्रेट होगा लेकिन उसका रेसिस्टेंट हो गया है ठीक है उसका रेसिस्टेंट हो गया है और उसको हम बोलते हैं हाइपर इंसुलिनिज्म डायबिटीज और ये सब चीजें यहाँ पे नहीं होगा प्रायोरिटी में आप किसको सिलेक्ट करोगे ए को और जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं पीसीओडी के अंदर तो इस तरह से मल्टीपल सिस्ट यही तो लिखा था कि इस कंडीशन में क्या किया गया है अल्ट्रासाउंड भी किया है और अल्ट्रासाउंड में इस तरह से मल्टीपल सिस्ट हमें दिखाई देता है ओवरी के अंदर और वो अरेंज्ड होते हैं पेरीफ्री रीजन ऑफ द ओवरी जो ये सिस्ट होते हैं पीसीओडी के अंदर याद रखना अगर पीसीओडी पीसीओडी के अंदर आप अल्ट्रासाउंड करोगे तो अल्ट्रासाउंड के अंदर आपको क्या दिखेगा सिस्ट अरेंज्ड सिस्ट अरेंज इन दिफ्री ऑफ ओवरी पेरीफ्री रीजन ऑफ ओवरी ठीक है सिस्ट अरे रीजन ऑफ द ओवरी और इसे ही हम क्या बोलते हैं नेकलैस अपीरियंस ये कैसा देता है नेकलैस तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि नेकलेस अपीरियंस ओवरी के अंदर हमें दिख रहा है ये किस चीज को इंडिकेट करेगा आपका आंसर जाएगा पीसीओडी इसी पीसीओडी को पीसीओ एस भी बोलते हैं इसी पीसीओ एस को हम क्या बोलते हैं स्टेन एंड लेवें सिंड्रोम भी बोलते हैं स्टेन और लेवेंथन जी ने क्या दिया था स्टेन एंड लेवेंथन सिंड्रोम भी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले पीसीओडी के बारे में पता लगाया था ठीक है भाई बात समझ में आ गई डायग्राम समझ में आ गया अल्ट्रासाउंड का इमेज आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है ड्यूरिंग अ फिजिकल एग्जामिनेशन क्या कर रहे हैं एक फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं क्लाइंट इन हर 32 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी फीमेल सुपाइन पोजिशन जब उसे किस पोजिशन में लिटाया गया है सुपाइन पोजिशन में मीन एक फीमेल थर्ड प्राइमेस्टर में सुपाइन पोजिशन में लेटी हुई है विच इंटरवेंशन टेक्स योर प्रायोरिटी भाई साहब अपनी प्रायोरिटी अपना काम नहीं भूलना है सबसे पहले आपका काम क्या होगा टर्निंग द पेशेंट ऑन हर लेफ्ट साइड द पेशेंट आस्किंग द पेशेंट टू ब्रीथ डीपली क्लाइंट बीपी आप सबसे पहले क्या करोगे अपना आंसर ए बी सी डी में कमेंट बॉक्स में फास्ट लिखेंगे जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर सबको करना है चलो फास्ट

इन सब में सबसे फास्ट आंसर दिया है ड्यूरिंग अ फिजिकल एग्जामिनेशन अ क्लाइंट इन हर 32 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे थे हमने देखा पेल है डिजी है उसको लाइट हेडेडनेस हो रहा है क्योंकि फीमेल किस में लेटी हुई है सुपाइन पोजीशन में और सुपाइन पोजीशन हम अवॉइड करते हैं लेटर मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी स्पेशली इन द थर्ड ट्राइमेस्टर तो फीमेल को क्या होता है सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम हमें सिम्टम्स देख के पता चल गया फीमेल हाइपोटेंशन में जा रही है फीमेल को सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम हो रहा है और जब भी आपको लगे कि फीमेल को सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम है या फीमेल सुपाइन में लेटी हुई है या फिर राइट लेटरल पोजीशन में लेटी हुई है तो इसकी वजह से क्या होता है कंप्रेशन ऑफ लेटी होगी तो कंप्रेशन होगा इंफीरियर का और वीनस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगा डिक्रीज रिटर्न टू दर्ट डिक्रीज रिटर्न टू हर्ट हार्ट को वीनस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से डिक्रीज कार्डियउटपुट और फीमेल है लीड टू सुपाइन सिंड्रोम डिक्रीज बीपी समझ में आया बीपी डिक्रीज होगा पेशेंट को इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम फीमेल हैविंग द सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम इन्फीरियर वेनाका का कंप्रेशर वीनस रिटर्न डिक्रीज टू द हार्ट वीनस रिटर्न डिक्रीज होगा स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होगा कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा और फीमेल को क्या होगा सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम इसमें इमीडिएटली सबसे पहला काम प्रायोरिटी के अंदर हो सकता है हम ये भी बोल सकते हैं लेकिन प्रायोरिटी में हमें ये, ये सेलेक्ट करना सॉरी टर्निंग द क्लाइंट ऑन हर लेफ्ट साइड क्योंकि जब भी फीमेल इस पोजीशन में होती है आपका बेस्ट एडवाइस क्या होता है आप फीमेल को कौन सा पोजीशन एडवाइस करते हो

याद रखना एम्स ने इस तरह के क्वेश्चंस को पूछा हुआ है क्वेश्चन पढ़ोगे तो पता चलेगा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है अ क्लाइंट आज द नर्स इफ एन अल्ट्रासाउंड कंफर्म द प्रेगनेंसी देन विच स्टेटमेंट बाय द नर्स क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है कंफर्म द प्रेगनेंसी एंड विच स्टेटमेंट बाय द नर्स रिगार्डिंग एन अल्ट्रासाउंड इज मोस्ट एक्यूरेट थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ यहाँ पे मिस है ठीक है टाइपिंग मिस्टेक हुआ है बट आप हमें याद रखो कि इसमें से आपको स्टेटमेंट देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट नर्स रिगार्डिंग द अल्ट्रासाउंड इज मोस्ट एक्यूरेट ये लाइन ध्यान देना कि आपको मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट को बाहर निकालना है नर्स ने जो नर्सिंग ऑफिसर है उन्होंने अल्ट्रासाउंड के बारे में जो भी मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट दिया है ना मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट वो आप चुन के इसमें से बाहर निकालो पहला है

याद रखना ये अल्ट्रासाउंड यूएसजी है यूएसजी आर यूएस अंटिल द यूट्रस एसेंड आउट ऑफ द पेल्विस अल्ट्रासाउंड आर यूज ऑफ दिस इन टू द एबडोम तब तक ही अल्ट्रासाउंड की जरूरत होती है जब तक वो यूट्रस से एसेंड होके पेल्विस से मीन एसेंड होके एबडोमल एरिया में आ जाए ठीक है अल्ट्रासाउंड आर यूज अंटिल द यूट्रस एसेंड आउट ऑफ द पेल्विस पेल्विस से बाहर कहां पे आएगा एबडोमल एरिया में आएगा तब तक तब तक सिर्फ अल्ट्रासाउंड करेंगे तो सारे ऑप्शंस को अच्छे से समझ गए मैं पोलिंग स्टार्ट कर रही हूं ठीक है और इस कोने में पोलिंग रखा है आपको आंसर करना है पोलिंग को देखते हुए फास्ट ए बी सी डी में क्वेश्चन समझा दिया है अल्ट्रासाउंड के बारे में पूछा है और याद रखना प्रेगनेंसी के अंदर सबसे अल्ट्रासाउंड ही होता है एक ही इन्वेस्टिगेशन के बारे में एम्स बार बार क्वेश्चन घुमा के पूछता है हर तरीके से पूछता है वो है अल्ट्रासाउंड ठीक है तो अल्ट्रासाउंड में गलती नहीं होनी चाहिए चलो टू सेकेंड लेफ्ट आई होप सो जहां तक मैं देख पा रही हूँ सब बच्चों ने सही आंसर किया है 95% बच्चों ने सही आंसर किया है ठीक है देखो स्टेटमेंट को अगर हम देखें वैसे ट्रांसविजाइनल अल्ट्रासाउंड एज अर्लिएस्ट एज फोर वीक्स तक हम देख सकते हैं इसमें तो कुछ जल्दी ही लिख दिया है तो फर्टिलाइजेशन से पहले थोड़ी ना देख लेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद ही देखेंगे तो इसको थोड़ा सा हम कर लेंगे साढ़े तीन से साढ़े चार या पांच कर लेते हैं ठीक है चलो कोई नहीं वो लिखने से नहीं ए इसका राइट आंसर तब भी जाएगा क्योंकि अल्ट्रासाउंड आर नॉट परफॉर्म ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत है इसने तो भाई साहब पहले ही गलत कर दिया कि अल्ट्रासाउंड को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करना ही नहीं है हम बोलेंगे भाई तू एकदम गलत है कट गया हमारे ऑप्शन में से हट गया ये एंड एक्सरे इज जस्ट अ रिलायबल तो ये तो और भी ज्यादा गलत स्टेटमेंट दिया है कि अल्ट्रासाउंड से बेहतर इसने एक्सरे को बताया मतलब ये बिल्कुल ही स्टेटमेंट गलत है ठीक है नर्सिंग ऑफिसर के द्वारा दिया गया ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है चलो भाई नेक्स्ट स्टेटमेंट को देख लेते हैं अल्ट्रासाउंड आर यूज्ड अंटिल द यूट्रस एसेंड आउट ऑफ द पेल्विस तो भाई साहब जब पेल्विस से बाहर आएगा तब अल्ट्रासाउंड नहीं करते क्या तब भी हम करते हैं बच्चे को देखना है फीटस को देखना है सबसे अल्ट्रासाउंड है तो ये स्टेटमेंट भी इसने गलत बोल दिया तो बच्चा ही हमारे पास कौन सा ऑप्शन ए और ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है कि है कि अल्ट्रासाउंड को प्रेगनेंसी में एडवाइस किया जाता फॉर द बेस्ट विजुअलाइजेशन याद रखना टीवीएस वी एस, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी को फर्स्ट प्रायोरिटी में दिया जाता है क्योंकि बेस्ट विजुअलाइजेशन उसका वेजाइनल सोनोग्राफी स्कैन से ही होता है

और ये एक साइड, ये एक क्वेश्चन है जो कि इमेज को आइडेंटिफाई करना है और नाम लिखना है आइडेंटिफाई द इमेज आइडेंटिफाई द अल्ट्रासाउंड जब अल्ट्रासाउंड आया है तो मैंने सोचा एक दे के आपसे पूछ लेते हैं क्या आप अल्ट्रासाउंड को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो इस अल्ट्रासाउंड को आइडेंटिफाई करो और उस डिजीज का नाम बताओ जो इस बच्चे के अंदर है आइडेंटिफाई द अल्ट्रासाउंड एंड नेम द डिजीज एंड नेम द डिजीज उस डिजीज़ का नाम बताओ जो इस फीटस के अंदर आपको दिखाया गया है इस फीटस को कौन सी बीमारी है वो आपको बताना है भाई साहब एकदम पता चल जाएगा तो हमें दिख रहा है इस अल्ट्रासाउंड के अंदर एक इस टाइप का फेस ठीक है जिसे हम बोलते हैं मिक्की माउस साइन क्या बोलते हैं हम इसको मिक्की माउस साइन और मिक्की माउस साइन अल्ट्रासाउंड के अंदर मुझे आप बताओ मिक्की माउस साइन अल्ट्रासाउंड के अंदर किस बीमारी को इंडिकेट करता है कौन सी एनोमलीज़ को इंडिकेट करता है तो आप बोलोगे एनन सिफेली एनन ठीक है किसको इंडिकेट करेगा एनन सिफेली को चाहे मिक्की माउस साइन पूछा जाए या फ्रॉग आई साइन पूछा जाए अल्ट्रासाउंड के अंदर वो इंडिकेट किसको करता है

टू वीक्स कमेंट बॉक्स में सबको अपना आंसर फास्ट लिखना है इन द फॉर्म ऑफ ए बी सी डी ए बी सी डी एक ही बार लिखोगे तो भी कैच कर लेगा ये तीन चार बार लिखने की जरूरत नहीं है ए बी सी डी के फॉर्म में आंसर लिखना है फास्ट फास्ट सबका आंसर आना चाहिए लास्ट के दस मिनट में हम करेंगे इवेल्युएशन और बच्चों को बताएंगे टिप्स नॉर्थ सेट के एग्जाम के लिए ठीक है अकॉर्डिंग टू द रैंक अकॉर्डिंग टू द रैंक मैं देखती हूँ कौन रैंकर बनेगा इस मैराथन के सेशन में चलो भाई टाइम हो गया है खत्म और देख लेते हैं राइट आंसर इस क्वेश्चन का कौन सा है 87 परसेंट बच्चों ने सही आंसर दिया है पूजा मनु और फेस वर्ल्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आए हैं क्विकनिंग इज फेल्ड बाय द प्राइमिंग का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो आपको इस टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए क्विकनिंग का मीनिंग क्विकनिंग क्विकनिंग का मतलब होता है फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ड बाई मदर फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय फेल्ट बाय मदर मदर के द्वारा जो फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट होता है उसी को क्या बोला जाता है क्विकनिंग और क्विकनिंग प्राइमी ग्रेविडा फीमेल में थोड़ा लेट और मल्टी ग्रेविडा फीमेल में थोड़ा जल्दी जो है टू वीक्स पहले सुनाई देता है तो अगर मैं ग्रेविडा फीमेल की बात करूं

ऑफ दिस क्वेश्चन फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर कितने वीक्स पे 18 टू 20 वीक्स यहाँ पे सही आंसर जाएगा चलो भाई यहां तक बात समझ में आ गई नेक्स्ट पोजीशन देखो आइडेंटिफाई द पोजीशन आइडेंटिफाई द पोजीशन शोन इन द गिवन इमेज विच पोजीशन यूज फॉर द पेल्विक एग्जामिनेशन लिथोटॉमी पोजीशन प्रोन पोजीशन सिम्स पोजीशन एंड टेंडलबर्ग पोजीशन अपना आंसर फास्ट एबीसीडी के फॉर्म में कमेंट बॉक्स में लिखेंगे एबीसीडी के फॉर्म में कमेंट बॉक्स में सबको आंसर लिखना है पोलिंग स्टार्ट कर दी है जल्दी जल्दी फास्ट 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 क्वेश्चन के लाइन को समझो और जल्दी से जल्दी आंसर करो इमेज आपके सामने है सारे इमेज वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी आज की क्लास में आधा और कल की क्लास में बचा हुआ पूरा ओबीजी कंप्लीट करेंगे दो क्लास मैराथन क्लास एंड ओबीजी पूरा कंप्लीट टाइम हो गया है खत्म आइडेंटिशन शोन इन द इमेजन यूज फॉर दिनेशन तो अगर क्वेश्चन को देखो और इस पोजिशन में फीमेल को लिटाया गया है पेलिविक एग्जामिनेशन के लिए तो बताओ ये कौन सा पोजिशन है मतलब आपसे डायग्राम में जो पोजिशन दिया गया है उसको पूछा है कि हम इस पोजिशन में फीमेल का क्या कर रहे हैं पेलिविक एग्जामिनेशन तो बताओ ये कौन सा इमेज है तो ये फीमेल को लिथोटॉमी पोजीशन में लिटाया गया है और 99% स्टूडेंट बिल्कुल सही है 99% नाइन बच्चों ने सही फर्स्ट है सुभाष और सिद्धार्थ सिद्धार्थ ठीक है इन सब ने सही आंसर किया फर्स्ट थर्ड पे बच्चे हैं बाकी 99% बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है तो इस इमेज में कोई दिक्कत है ही नहीं अगर हम डिलीवरी के लिए फीमेल को लिटाते हैं तो भी जो पोजिशन करते हैं अगर लेबर के टाइम पे फीमेल को पोजिशन पूछा जाए कि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में फीमेल को कौन सी पोजीशन दी जाएगी तो लिथोटोमी पोजीशन और यहाँ पे पेल्विक एग्जामिनेशन के लिए जो पोजीशन दिया गया है वो भी कौन सा है लिथोटोमी पोजीशन चलो भाई पोजिशन में, में, में फीमेल यहाँ नहीं है तो बाकी सारे ऑप्शन क्या है गलत नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी नॉर्सेट फाइव का शायद क्वेश्चन है नॉर्सेट का आया हुआ क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है न्यूट्रिशनल आयरन थेरेपी इन प्रेग्नेंट लेडी न्यूट्रिशनल कौन सी थेरेपी आयरन थेरेपी दी जा रही है एक प्रेग्नेंट लेडी को विद द हीमोग्लोबिन लेवल इज लेस मोर देन टेन हीमोग्लोबिन 10 से ज्यादा है तो क्या करेंगे हम वन टैबलेट ऑफ फेरस सल्फेट पर डे टू टू थ्री टैबलेट्स ऑफ फेरस सल्फेट पर डे नाइन टैबलेट्स ऑफ फेरस सल्फेट पर डे और एनीमिया शुड बी इमीडिएटली ट्रीटेड विद द पेरेंट्रल आयरन थेरेपी

मारना है क्या पेशेंट को या फिर इमीडिएटली हम क्या करेंगे एनीमिया डायग्नोस करके और पेरेंट्रल आईवी स्टार्ट कर देंगे चलो आई होप सो आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा और इसी तरह का क्वेश्चन यही क्वेश्चन नॉर्थसेट के अंदर पूछा गया था ठीक है नॉर्थसेट के अंदर पूछा गया था तो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर जाता है वो क्या है ए है नाइन्टी परसेंट बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है जिसमें पोरकोडी और दीक्षा और सिद्धाता ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे आए हैं चलो भाई तो वन टैबलेट ऑफ फेरस सल्फेट पर डे अगर हीमोग्लोबिन दस से कम होता है ठीक है अगर दस से कम होता है तो यहाँ पे तो लिखा है कि एच बी फीमेल का मोर देन टेन है एच बी मोर देन टेन ग्राम है तब हम इसको एक ही टैबलेट फेरस सल्फेट का देंगे पर डे दे। तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या जाता है ए ठीक है इसका राइट right आंसर क्या जाता है ए जाते हैं क्लियर है याद रखना अगर फिजियोलॉजिकल चेंजेस के अंदर पूछा जाए कि हिमाटोलॉजी में क्या चेंजेस होता है तो ब्लड वॉल्यूम प्लाज्मा वॉल्यूम आरबीसी हीमोग्लोबिन सब बढ़ते हैं बट हिमेटोक्रेट डिक्रीज होता है ठीक है ठीके? अगर प्लाज्मा वॉल्यूम के कंपैरिजन में हम आरबीसी को देखें तो प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीजेस मोर देन द आरबीसी दैट्स व्हाई ब्लड का क्या हो जाता है डाइल्यूशन हिमो डायल्यूशन ऑफ द ब्लड ब्लड डाइल्यूट हो जाता है एंड हैविंग द चांस ऑफ फिजियोलॉजिकल एनीमिया प्रेगनेंसी इज द स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल एनीमिया हर एक फीमेल को फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है क्योंकि फिजियोलॉजी है बॉडी की फिजियोलॉजी है ब्लड डाइल्यूट होगा ही होगा इसीलिए हर एक फीमेल को एंड एंडफॉलिक एसिड की टैबलेट प्रेगनेंसी में दी जाती है क्लियर है भाई क्लियर है तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर आपको पता चल गया ए है बी सी और डी सी और डी तो बिल्कुल ही नहीं होगा

देखो हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने एक पेल्विक एग्जामिनेशन किया है पेल्विक डायमीटर को चेक किया है और आपसे पूछा गया है कि ये क्या है डायगनल कॉन्जुगेट आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में फास्ट लिखना है ठीक है पोलिंग को मैं यहाँ पे कर देती हूँ चलो फास्ट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो ये आपका डाइगनल कॉन्जुगेट जल्दी 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 जल्दी, जल्दी. फास्ट ए बी सी डी के फॉर्म में अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखेंगे सबको बिल्कुल एरो मार्क करके दिखाया हुआ है पॉइंट को टच करके बताया गया गलती नहीं होनी चाहिए आपकी गलती नहीं होनी चाहिए टाइम खत्म हो गया है देख लेते हैं कौन सा है 97% बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है जिसमें दीक्षा ब्रिस्टि और भट्ट ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड नंबर पे आए हैं याद रखना यहाँ पे आपको एग्जामिनर ने क्या दिखाया है टच करके कि ये किस चीज को टच किया है लोअर बॉर्डर ऑफ सिंफाइसिस ठीक है लोअर बॉर्डर ऑफ सिंफाइसिस प्यूबिस को ही टच कर सकते हैं लोअर बॉर्डर ऑफ सिंफाइसिस प्यूबिस से लेकर लोअर बॉर्डर ऑफ सिंफाइसिस प्यूबिस से लेकर ये जो पार्ट टच करके एरो में दिखाया गया है इसे हम बोलते हैं सेक्रल प्रोमोट्री ये कौन से पार्ट को दिखाया गया है सेक्रल प्रोम्री और इसके डिस्टेंस को क्या बोला जाता है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द पेल्विस जिसके जिसके अंदर अंदर हम पढ़ते हैं तीन कॉन्जुगेट्स ठीक है हम क्या पढ़ते हैं तीन कॉन्जुगेट्स को पढ़ते हैं <laughs> यहां पे आता है आपका थ्री कॉन्जुगेट्स थ्री कॉन्जुगेट्स को याद रखना इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ पेल्विक ब्रिम ब्रिम पेल्विक या फिर इसी को आप क्या बोलते हो इनलेट इनलेट इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे तीन कॉन्जुगेट सबसे पहला होता है कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट दूसरा होता है आपका ऑप्सिकल कॉन्जुगेट और थर्ड होता है आपका डायगोनल कॉन्जुगेट थर्ड होता है आपका डायगोनल कॉन्जुगेट ये अगर सिम्फाइसिस प्यूबिस है और ये आपका सेक्रल प्रोम्री है ये सेक्रम और ये कॉपिक्स वाला पार्ट है तो सेक्रल से अपर बॉर्डर से मिडल बॉर्डर से हम कहां पे जाएंगे को करेंगे। तो यहां याद रखना सेक्रल से प्रोबोन्ड्री तक होता है इसे बोला जाता है डाइगनल कॉन्जुगेट और मेजरेबल कॉन्जुगेट सिर्फ डाइगनल कॉन्जुगेट होता है जिसको आप मेजर कर सकते बाकी सब मेजरेबल नहीं होते हैं और कॉन्जुगेट को आप मेजर नहीं कर सकते जो बीच वाला है मिडल बॉर्डर से और जो अपर बॉर्डर से होता है इसे हम बोलते हैं एनाटमिकल कॉन्जुगेट या फिर इसी को बोला जाता है ट्रू कॉन्जुगेट्स ठीक है तो यहाँ पे सबसे बड़ी ट्रिक ये याद रखना है कि मेजरेबल कॉन्जुगेट सिर्फ एक होता है वो है डाइंगल कॉन्जुगेट तो जब भी एग्जाम में आएगा कि मेजरेबल कौन सा है कौन सा मेजर किया जा रहा है हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा तो आप बोलोगे डाइगनल कॉन्जुगेट और डायगनल कॉन्जुगेट कितने सेंटीमीटर का होता है ट्वेल्व सेंटीमीटर का और इसी के बेसिस पे हम क्या निकालते हैं बाकी के कॉन्जुगेट्स को निकालते हैं तो मान लो आपको निकालना है ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट का लेंथ कितना होगा तो आप क्या करोगे डायग्नल कॉन्जुगेट माइनस टू करोगे अगर आपको निकालना है कि एनाटेमिकल कॉन्जुगेट कितना होगा क्योंकि ये तो हम मेजर कर नहीं पाएंगे तो इसका फॉर्मूला होता है डाइगनल कॉन्जुगेट माइनस वन डाइगनल कॉन्जुगेट माइनस वन तो इससे हम एनाटमिकल कॉन्जुगेट्स को निकाल सकते हैं और डायग्नल कॉन्जुगेट में से अगर हम टू माइनस करें तो हम ऑप्सटिकल कॉन्जुगेट की वैल्यू को निकाल सकते हैं तो क्या ये याद रहेगा आपको ठीक है मेजरेबल कॉन्जुगेट मेजरेबल कॉन्जुगेट इज ओनली वन मेजरेबल कॉन्जुगेट क्या होता है सिर्फ और सिर्फ एक होता है जिसे हम बोलते हैं डाइगनल कॉन्जुगेट डाइगनल कॉन्जुगेट तो इसकी वैल्यू ऑफ सेट्रिकल से टेन कॉन्जुगेट को निकाले तो कितना होता है सेंटीमीटर इन लेंथ क्लियर है भाई यहां तक कोई गलती नहीं होगी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलती हूँ इस क्वेश्चन का राइट right आंसर आपको पता चल गया डायग्नल कॉन्जुगेट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आइडेंटिफाई द इमेज इस टाइप ऑफ पेल्विस आइडेंटिफाई द एबनॉर्मैलिटी इन देंटिफाई द एबनॉर्मैलिटी इन द पेलविस इस पेलविस में क्या एबनॉर्मैलिटी है उसको आइडेंटिफाई करो आइडेंटिफाई द एबनॉर्मैलिटी इन दैलविस आपको इस पेलविस में कोई एबनॉर्मैलिटी दिख रहा है तो नाम बताना है क्या है आप देखो इस पेल्विस के अंदर एक साइड से तो आपको क्या दिख रहा है ये पेल्विस ये वाला पार्ट सेक्रल होता है आला और आला ऑफ सैक्रम दोनों साइड से क्या होता है आला ऑफ सैक्रम होता है बीच में यहाँ पे सैक्रम होता है और फिर ये कॉकिक्स वाला पार्ट होता है और फिर यहाँ पे पेल्विस पूरा का पूरा पेल्विस होता है ठीक है ये एक नॉर्मल पेल्विस है जिसका इमेज मैंने आपको बना के दिखाया है लेकिन इस इमेज को नॉर्मल इमेज को अगर आप इससे कंपेयर करो तो आपको दिख रहा है एक साइड तो यहाँ पे आला ऑफ सैक्रम है लेकिन दूसरे साइड में है ही नहीं तो अगर सिर्फ वन प्रेजेंट होता है तो इस एबनॉर्मैलिटी को बोला जाता है नेगलीज पेल्विस कौन सा पेलविस बोलते हैं नेगलीज पेलविस और नेगलीज पेलविस को याद रखने का ट्रिक क्या है किस तरह से हमें ये ट्रिक के साथ में याद रहेगा तो याद रखना इसको याद करने का ट्रिक है एन ओ एन ओ ठीक है एन से नेगलीज पेलविस और ओ से वन सेक्रल ऑफ आला या आला ऑफ सेक्रल इज मिसिंग वन आला मिसिंग होगा सिर्फ वन आला ऑफ सेक्रम प्रेजेंट होगा तो उसे बोला जाता है नेग्लीज पेल्विस ठीक है भाई चलो तो ये इमेज भी आपने देख लिया नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और बताएंगे बेबी इज पुट टू द ब्रेस्ट फॉर ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर हाउ मेनी आवर्स आफ्टर सिजेरियन सेक्शन ब्रेस्ट फॉर फीडिंग आफ्टर हाउ मेनी हाउ मेनी आवर्स आफ्टर द सिजेरियन सेक्शन सिजेरियन सेक्शन के कितने घंटे बाद बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट किया जाता है जब एक मदर का सिजेरियन डिलीवरी हुई हो तो बताओ सिजेरियन में एज सुन एज पॉसिबल करते हैं थर्टी मिनट्स करते हैं टू आवर्स करते हैं या फिर फोर आवर्स में करते हैं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है सिंपल है कॉन्फिडेंस रखना है और सबको अटेम्प्ट करना है सबको अटेम्प्ट करना है हौसले के तर्कस में कोशिश का वह तीर जिंदा रखो हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो और आंसर करते रहो कॉन्फिडेंस बरकरार रहना चाहिए चलो भाई साहब आंसर कर दिया होगा इतनी सारी बातें बोलने के बाद कुछ तो आंसर कर ही रहे होंगे ना ज्यादा लोग अब शायरी वगैरह नहीं बोलूंगी मैं आपको आपने गलत आंसर किया है 51% बच्चों का सिर्फ आंसर ठीक है क्यों भाई मोहित मनीष और गीता सिर्फ 54 बच्चों ने ही आंसर ठीक किया है तो मेरी शायरी में ध्यान मत दिया करो मैं बोलूंगी नहीं क्लास के बाद ही बोलूंगी ठीक <laughs> है चलो तो ये आपका जो क्वेश्चन पूछा था ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड था ठीक है और ब्रेस्ट फीडिंग हमें कब करना चाहिए बस एक लाइन में हमेशा याद रखना अगर किसी फीमेल को नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी है और नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के अंदर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के अंदर हम क्या करते हैं बताओ नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के अंदर हमें ब्रेस्ट फीडिंग को एज सून एज पॉसिबल फर्स्ट प्रायोरिटी में देना होता है किसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है एज सून एज पॉसिबल जितनी जल्दी मदर स्टेबल हो जाए स्टेबलाइज हो जाए चीजें उतनी जल्दी आप ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट कर दो अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो हाफ एन आवर कर दो हाफ एन आवर का मतलब क्या होता है थर्टी मिनट्स के अंदर अंदर आप इनिशिएट कर दो अगर आप हमसे टाइम मांगते हो तो टाइम बताओ कितने घंटे में होगा दूसरे साइड से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मदर का नॉर्मल नहीं हुआ है सिजेरियन हुआ है तो अगर सिजेरियन डिलीवरी होता है तो इस सिजेरियन डिलीवरी के अंदर हमें ब्रेस्ट फीडिंग को इनिशिएट करना होता है फोर आवर्स आफ्टर फोर आवर्स ऑफ सिजेरियन डिलीवरी जिससे मदर स्टेबिलाईज हो जाए और फिर हम ब्रेस्ट फीडिंग को इनिशिएट करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर जाता है डी और मेरे हिसाब से यहां कोई गलती नहीं होनी चाहिए थी आपसे और नेक्स्ट टाइम से आपसे इस क्वेश्चन में कभी गलती नहीं होगी क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने लिखा हुआ है ठीक है भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है और यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आया हुआ है ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बेन्योबर shown in the given image performed by the healthcare provider in case of delivery of the fetal shoulder in cephalic presentation in cephalic presentation McRobert maneuver, Born Marshall maneuver, Lobsett maneuver ya Pinards maneuver क्वेश्चन सबने pad liya डायग्राम सबने देख लिया भाई साहब पूरी दत्ता पूरी OBG के डायग्राम्स को पूरा घुमाया है in the form of क्वेश्चन सेशन in the form of थियरी तो पूरा ओबीजी इस तरह से आपको इमेज के फॉर्म में टिप्स पे याद रहेगा बट पार्टिसिपेट सबको करना है एक बात मेरी भी मानो आप क्वेश्चन को पार्टिसिपेट करो आपके अंदर एक दिन में चेंज नहीं लेकिन निखार दिखेगा जरूर पार्टिसिपेट सबको करना है यहां से चीजें बोल्ड होती है आंसर सबको करना है चलो भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मैन्यूबर दिख रहा है हेल्थ केयर प्रोवाइडर देख रहे हो ना डॉक्टर्स कितनी मेहनत से उस बच्चे को निकालने के लिए ट्राई कर रहे हैं आपको तो सिर्फ नाम बताना पूछा है बाकी लोग देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं नाम बताओ इसका टाइम खत्म हो चुका है और ये आपका कौन सा है कितने लोगों ने सही नाइनटी वन परसेंट बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है इस मैनेवर को सही पहचाना है प्रीति नवीन एंड पूनम बिल्कुल सही आंसर है क्या है इसमें किया क्या जा रहा है बच्चा सबसे पहले बोला है कि इस इमेज को देखो परफॉर्मड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो भी maneuver, इस ने किया है, of of लेकिन डिलीवरी किस चीज की नहीं हो पा रही है इसका शोल्डर स्टक हुआ हुआ है इसका शोल्डर स्टक हो गया है शोल्डर डिलीवर नहीं कर पा रहा है क्योंकि किस कंडीशन में शोल्डर डिलीवर नहीं हो पाता शोल्डर डिस्टोशिया डिस्टोशिया केस में शोल्डर की डिलीवरी नहीं हो पाती है डिफिकल्टी इन द डिलीवरी ऑफ शोल्डर उसी को हम बोलते हैं शोल्डर डिस्टोसिया और तब हमें एक मेन्यूबर परफॉर्म करना पड़ता है जो इस एग्जामिनर ने जो इस हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने किया है इन द दिफेलिक प्रेजेंटेशन क्योंकि बच्चा किस में है सिफॅलिक प्रेजेंटेशन में है और उसकी शोल्डर की डिलीवरी के लिए मैक रॉबर्ट मेन्यूबर परफॉर्म किया जाता है भाई साहब ये जो इमेज आपको सामने दिखाया गया है ना ये मैक रॉबर्ट मेन्यूबर का है तो इमेज वाला तो आप कर लोगे लेकिन थेरेटिकल पार्ट में बता दू इसमें किया क्या जाता है सबसे पहले क्या करते हैं इसमें मदर के नी को फ्लेक्स करते हैं और हम क्या करते हैं एबडक्शन करते हैं नी का फ्लेक्शन करते हैं और फिर एबडक्शन करते हैं जिससे विजाइनल आउटलेट का एरिया एनलार्ज होता है और उसके बाद हम सुप्रा प्यूबिक प्रेशर देते हैं और फिर बच्चे के शोल्डर को डिलीवर कर देते हैं तीन स्टेप मैंने बताया है थेरेटिकल के फॉर्म में क्वेश्चन आए तो प्लीज इसको याद रखना कि क्या किया मदर के नी को फ्लेक्स किया फ्लेक्स करने के बाद एडक्शन मतलब होता है पास लाना पास नहीं लाते हम फ्लेक्स करने के बाद नी को क्या करते हैं एबडक्ट करते हैं इस तरह से दूर लेके जाते हैं फिर सुप्रा प्यूविक प्रेशर देते हैं और बच्चे के शोल्डर को डिलीवर कर देते हैं बच्चे के शोल्डर को डिलीवर कर देते हैं और ये जो मेन्यूबर परफॉर्म किया जाता है फीमेल के ऊपर उसी को नाम देते हैं मैक रॉबर्ट मेन्यूबर तीन चीजें बताई नी का फ्लेक्शन नीका, नीका एबडक्शन सुप्राप्यूविथ प्रेशर बस यही तीन पॉइंट तो याद रखना है अपने नोट्स में लिखना है और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है आपको याद रहेगा मैक रॉबर्ट किस में करते हैं तो सबसे पहली चीज हम सिफेलिंग प्रेजेंटेशन के अंदर करते हैं किस चीज की डिलीवरी के लिए शोल्डर की डिलीवरी के लिए शोल्डर डिफिकल्ट कब होता है डिलीवर करना जब किसी को शोल्डर डिस्ट्रोशिया की प्रॉब्लम हो ठीक है भाई चलो और मेन्यूएर का मतलब होता है मेनुअली करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करते मेन्यूएर मेनुअली परफॉर्म किया जा रहा है कोई इंस्ट्रूमेंट यहाँ यूज नहीं करते हैं क्लियर है भाई

यही सेम इमेज यहाँ पे भी दिखाया गया है आपके समझने के लिए चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स शुड बी नर्स फॉर है एनएसटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एनएसटी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से जो है आपके एम्स में क्वेश्चन दो तीन बार पूछा है इसीलिए मैंने इस एनएसटी के क्वेश्चन को एक डिफरेंट वे में यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स शुड बी नर्स हैव अवेलेबल फॉर द एन एस टी क्योंकि तो हर बार एनएसटी जो क्वेश्चन आ चुका है वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा उसको अलग तरीके से करके पूछा जाएगा ठीक है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द दी क्रैश कार्ड होना चाहिए या कार्डियक मॉनिटर होना चाहिए या आईबी ऑक्सीटोसिन रखना चाहिए या फिर फीटल मॉनिटर होना चाहिए तो एन को परफॉर्म करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपके पास या कौन सा जो डिवाइस है वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपना राइट right आंसर लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ ए बी सी डी A, B, C, D, के फॉर्म में अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर फास्ट 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 लिखेंगे लास्ट के हाफ एन आवर ऐसे होंगे ऐसे होंगे जिसमें और भी चीजें बेहतरीन होने वाली हैं और बढ़िया तरीके से समझ में आने वाली है चलो भाई फास्ट आंसर करो टेन सेकेंड लेफ्ट एनएसटी बताओ एनएसटी क्या है

ये इमेज एम्स दिल्ली ने 2017 के कोश्च में दिया था एम्स जोधपुर का एग्जाम हुआ था इस एम्स जोधपुर के एग्जाम में एम्स दिल्ली ने ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन में दिया था कि आइडेंटिफाई करो मदर के एबडमन से क्या अटैच किया गया है तो जो टोकोमीटर होता है टोको डायनेमोमीटर होता है वो मदर के एबडमन से अटैच किया जाता है और इसमें हम क्या करते हैं 20 मिनट के बेसिस पे जब भी फीटल मूवमेंट होता है मदर के हाथ में एक इस टाइप का पेन पकड़ाया जाता है बोला जाता है जब भी फीटल मूवमेंट हो आप बस बटन को प्रेस कर देना और वहां पे उस टाइम पे फीटल के हार्ट रेट को हम चेक करते हैं एट द टाइम ऑफ फीटल मूवमेंट किसी भी टाइप का हमने कोई स्ट्रेस नहीं दिया है ठीक है और इस प्रोसीजर का नाम हम क्या देते हैं एनएसटी तो एनएसटी में किस चीज की जरूरत है यहाँ पे फीटल मॉनिटर की जरूरत होती है कार्डेक मॉनिटर किस लिए मदर को थोड़ी ना यहाँ पे कार्डेक मॉनिटर लगाना ईसीजी लगाना ये तो मदर में क्या लगाया जाएगा कार्डियोटोकोमीटर टोको डाइनेमोमीटर मदर के आबदमन पे अटैच किया जाएगा और यहाँ पे स्क्रीन पे देखो रिपोर्ट भी निकल के आया है है ना इस तरह से फीटल मॉनिटरिंग होती रहेगी क्लियर है भाई समझ में आया तो यहाँ पे कार्डिक मॉनिटर की कोई जरूरत नहीं है यहां पे मॉनिटर मॉनिटर चाहिए चाहिए बच्चे का का हार्ट रेट देखना है है तो 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 ही होगा डी इस क्वेश्चन राइट आंसर हमेशा एनएसटी का हर बार अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है इसीलिए याद रखना मैंने एक नए तरीके से आपको एनएसटी को दिया है एनएसटी का टॉपिक आपको पता होना चाहिए कम से कम दो वैल्यू

बच्चे में दो वैल्यू से कम वैल्यू है एक भी ऐसा नहीं हुआ कि फीटल कॉन्ट्रैक्शन जब भी यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है फीटल का मूवमेंट हो रहा है फीटल के मूवमेंट होने के टाइम पे बच्चे का हार्ट रेट अगर डिक्रीज हो जाए ठीक है तो वो क्या इंडिकेट करता है कि एनएसटी पॉजिटिव है बच्चा नॉन रिएक्टिव है बच्चा नॉन रीएश्योरिंग फीटस है एंड रिक्वायर्ड अदर इन्वेस्टिगेशन इंपॉर्टेंट है याद रखना चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है ट इज द रिस्क ऑफ स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्मोकिंग का रिस्क क्या होता है ओवर वेट बेबी या इनफेक्शन अगर कोई मदर प्रेग्नेंसी में यू धुआं उड़ा रही है बार 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 फूके मार रही है कि चलो भाई एक सिगरेट दो सिगरेट तीन सिगरेट लेके आओ लेके आओ बिना इसके तो काम नहीं चलेगा बिना इसके तो प्रेगनेंसी नहीं निकलेगी तो उसके बच्चे में क्या प्रॉब्लम होगा या उसकी प्रेगनेंसी पे इस स्मोकिंग का क्या इफेक्ट पड़ेगा ए बी सी डी के फॉर्म में जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करना है फास्ट 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 तो अगर फीमेल नहीं मानती है रुक नहीं रही है है ना कि भाई पीना ही पीना है प्रेगनेंसी कट नहीं रही है बढ़िया जा नहीं रही है घर पे रहने के लिए बोला है तो क्या करें यही करती है बालकनी में गई और यू चलो मजा आ रहा है उसे नहीं पता उसकी वजह से उसकी प्रेगनेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है चलो भाई सबका आंसर आंसर आ गया सबने कर दिया तो एकदम बढ़िया जाते हैं आपके मस्त तरीके से तनु भूमिका और जिया बिल्कुल नए नाम आए ऐसे में फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे आए हैं चलो तो मैंने बोला स्मोकिंग के बारे में प्रेगनेंसी से रिलेटेड हमेशा एक चीज याद रखना स्मोकिंग की वजह से फीमेल को क्या होता है एंटीपार्टम हो है स्मोकिंग इज अ फैक्टर क्या कॉज कर सकता है एब्रपो प्लेसेंटा कॉज कर सकता है एंटीपार्टम हैमरेज एब्रप्शियो प्लेसेंटा हो सकता है फीमेल को क्या हो सकता है एब्रप्स प्लेसेंटा हो सकता है स्मोकिंग की वजह से प्रीमे सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा हो सकता है स्मोकिंग एक तरह का क्या होता है रिस्क फैक्टर होता है फैक्टर होता है किस केस में प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा होगा इट कैन लीड टू प्री मेच्योर बेबी इट कैन लीड टू प्री मेच्योर बेबी प्री मेच्योर डिलीवरी होगा अगर प्लेसेंटा टाइम से पहले ही सेपरेट हो गया तो लेकिन स्मोकिंग के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना स्मोकिंग इज अ प्रोटेक्टिव फैक्टर प्रोटेक्टिव फैक्टर केस ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूज हाइपरटेंशन कभी भी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन दिया जाता है और पूछा जाता है क्या स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है क्या स्मोकिंग हाइपरटेंशन को लीड कर सकता है भाई साहब कभी नहीं कभी नहीं स्मोकिंग एक तरह का प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है किस केस में इन केस ऑफ इन केस ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन एक्लेमशिया प्री एक्लेमशिया ये सब पूछा जाता है तो याद रखना तो आप बोलोगे ठीक है मैम अब नेक्स्ट टाइम से जब भी मेरे पास प्रेगनेंसी हाइपर वाला पेशेंट आएगा उसे बोलूंगा यू धुआं उड़ा ले ठीक है प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन हुआ है स्मोकिंग कर बढ़िया तरीके से तेरी प्रेगनेंसी निकलेगी लेकिन तुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो सकता है प्लेसेंटा हो सकता प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकता है बच्चा यू छोटा सा पैदा हो सकता है कमजोर सा किलो का टाइम से पहले वो भी है ना तो खूब मस्ती मस्ती खूब करो मजे मौज लो लेकिन सब कुछ ध्यान में रखते हुए

चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है इसका फास्ट आंसर करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ़ ब्रेक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है ब्रेक्सटन हिक कॉन्ट्रेक्शन का और बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है किसमें ब्रेक्सटन हिक कॉन्ट्रेक्शन में द कॉन्ट्रेक्शन आर लेस स्ट्रॉन्ग पेशेंट वर्क हाँ कंफ्यूज है या नहीं

अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है दिन हो या रात हो लड़ना तो पड़ता है पढ़ना भी पड़ता है ठीक है बात करने से काम नहीं चलेगा पढ़ाई भी जरूरी है और थोड़ा सा माइंड फ्रेश करना भी जरूरी है बहुत बढ़िया आई होप सो आपने सही आंसर किया हो और ये बातें बीच में इसलिए बोलती हूँ कभी कभी आपने देखा एग्जाम हॉल में क्या होता है वो जो एग्जामिनर होते हैं ना ये बहुत बात करते हैं मतलब मुझे तो कभी कभी ऐसा डिस्टर्बेंस हो जाता है वो माइक लगा के चिल्लाते हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है, हमारे screen पर question आ चुका है है हमारे स्क्रीन पर आ लेकिन उनकी बाते, उनकी बातें अनाउंसमेंट खत्म नहीं होती किसी का login नहीं हुआ तो बता देना ये सब चीजें चलती रहती ना तो अपने आप को ना कॉन्सेंट्रेट करना अपने आप को स्ट्रांग बनाना अपने आप को मेंटली बोल्ड रखना कि मेरा ध्यान मेरा कंसंट्रेशन सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ का छूटा हुआ एक एक सेकंड मेरे लिए गलत साबित हो सकता है बाहर जाके क्योंकि तो तो अगर एक भी क्वेश्चन में मैंने गलती कर दी कहीं और करके तो तो शायद शायद मेरा सिलेक्शन रुक सकता है है तो भाई साहब आपका आपका पूरा कंसंट्रेशन फुल फोकस जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे होना चाहिए उसके लिए आप मेंटली बोल्ड होने चाहिए वहां पे ठीक है तो आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा होता है उसके लिए नींद बहुत जरूरी होती है तेरह तारीख की रात में फुल नींद लेके अच्छे से जाना और कोई भी इधर उधर की चीजें मत करना स्ट्रेस मत लेना जब आपने पढ़ा अच्छा है आपने बहुत अच्छी नॉलेज ली है तो एग्जाम में भी अच्छा ही होगा ठीक है भाई चलो इस क्वेश्चन का सही आंसर देख लेते हैं कि ब्रेक्सटन ब्रैक्सटन विशन के बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स द कॉन्ट्रेक्शन आर लेस स्ट्रॉन्ग द पेशेंट वर्क तो यहाँ पे 73% बच्चों का आंसर ठीक है बट ठीक है बच्चों ने बहुत अच्छी कोशिश की है इस क्वेश्चन में आंसर देने की क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया गया था ठीक है दीपिका अंबर सिंह और पूनम ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आए हैं द कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है ये इरेगुलर कॉन्ट्रेक्शन होता है इरेगुलर एंड पेनलेस इरेगुलर इरेदमिक एंड पेनलेस सबसे पहली चीज ये है कि ये पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन होता है कैसा होता है डियर पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन होता है अर्लिएस्ट वीक ऑफ द प्रेगनेंसी में फीमेल को जो यूट्रस मीन कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होता है उसे पामर साइन बोला जाता है क्या बोला जाता है अर्लिएस्ट वीक में पामर साइन बोला जाता है रिप्रोडक्टिव साइन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर टेन वीक्स पे हम बोलते हैं ये डिसअपियर हो जाता है पामर साइन टेन वीक्स पे डिस डिसअपियर होगा और दोबारा से री रीअपियर होता है एटीन टू ट्वेंटी वीक्स ऑफ जिस पे और उस टाइम पे इसका नाम क्या दिया जाता है ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन बी एच सी

यूट्रस टाइट लगेगा लेकिन पेशेंट बोले बोले पेन हो रहा है बोले, वो बोलेगी नहीं नहीं पेन तो नहीं हो रहा है तो बोलेगी अरे यूट्रस में तो कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है अच्छा सा हो रहा है लेकिन फीमेल को पेन नहीं हो रहा है ये, वो क्या है वो क्या है वीडियो में भी दिखाया जाएगा तो याद रखना वो ब्रेक्सटन हिक कॉन्ट्रेक्शन होता है जिसे एग्जामिनर फील करते हैं ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है वट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ फॉलिक एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी

सी में, so, में, में, में क्यों देते हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है फॉलिक एसिड हेल्प टू प्रिवेंट द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोन को स्ट्रॉन्ग बनाएगा बच्चे के बोन को या फिर बेबी बिकम रेसिस्टेंट टू तो इंफेक्शन और फॉलिक एसिड प्रिवेंट द बेबी फ्रॉम बिकमिंग एनिमिक एनीमिया से बचाता है बच्चों को यस यस होप सो सबने आंसर सही लिख दिया होगा तो इसका सही आंसर क्या है डियर 96 परसेंट बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है दीपिका रिफत और मुनाज़ा आसिद ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आए हैं तो ए इसका राइट आंसर है जो फॉलिक एसिड है जो फॉलिक एसिड है प्रेगनेंसी में हम देते हैं क्यों देते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज में पूछा जाएगा फीमेल को जेनेटिक काउंसलिंग किया जाता है अगर किसी को पहले न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की हिस्ट्री है तो वन मंथ बिफोर द प्रेगनेंसी हम क्या स्टार्ट कर देते हैं फॉलिक एसिड क्यों स्टार्ट करते हैं बताओ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए हम फीमेल में क्या स्टार्ट करते हैं फॉलिक एसिड ठीक है भाई चलो तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस है एसिड बिल्ड द बेबी फ्रॉम बिकमिंग इससे नहीं होता है ये स्पेशली दिया जाता है किस लिए बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंट करने के लिए कितना देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन याद रखना फोर हंड्रेड माइक्रोग्राम ये दिया जाता है

याद रहेगा कितना देते हैं अकॉर्डिंग टू द एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम द फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ ऑफ इंडिया की तरफ से फ्री कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट एंड फॉलिक एसिड फेरस सल्फेट कितना दिया जाता है बताओ फेरस सल्फेट कितना दिया जाता है 60 एम ऑफ एलिमेंटल आयरन फेरस सल्फेट का मतलब क्या है आयरन तो कितना आयरन देते हैं आयरन एंड फॉलिक एसिड आयरन आप देते हो 60 एम ऑफ एलिमेंटल आयरन 60 mg elemental iron and 500 microgram of folic acid supplementation according to the anemia mukt bharat program ye aapka norset ka aaya hua question hai नॉर्सेट में पूछा हुआ है तो प्लीज इन सारे पॉइंट्स को याद रखें जेनेटिक काउंसलिंग में पूछा जाता है कि हम फीमेल को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रीवेंट करने के लिए क्या देते हैं तो भी फॉलिक एसिड दिया जाता है ठीक है तो आज की क्लास में बहुत सारे हमारे पास वैसे क्वेश्चंस थे बट कोई नहीं हम कवर कर लेंगे हम कवर कर लेंगे अभी फिलहाल आप इस इमेज को आइडेंटिफाई करो जो इसमें दिखाया गया है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ दोन इन द गिवन इमेज गिम्ड बाई प्रोवाइडर इन केस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटल हेड यहाँ पे बच्चे का फीटल हेड डिलीवर करना है इन ब्रीच प्रेजेंटेशन ब्रीच में बच्चे का पूरा का पूरा सब कुछ डिलीवर हो गया हेड स्टक हो गया उसके डिलीवरी के लिए कौन सा मेन्यूबर परफॉर्म किया जा रहा है जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में सबको आंसर लिखना है मैक्रोवर्ट मैनेबर बर्ड मार्शल मैनेबर लॉक्सेट मैनेबर और पिन्नाट्स मैनेबर फास्ट कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए सबका सबको फास्ट कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखना है इसको हम क्या नाम देते हैं मैक्रोवर्ट तो आपने देख ही लिया है बर्ड मार्शल लॉप या पिनार यस फास्ट 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 वेरी गुड टाइम हो गया है खत्म और देख लेते हैं इसका राइट right आंसर क्या है राइट आंसर बर्ड मार्शल 67 बच्चों ने सही आंसर तो मेथड के अंदर बच्चे ब्रीच में होगा बच्चा ब्रीच में होगा और उसके हेड को डिलीवर करने के लिए उसके हेड को डिलीवर करने के लिए एग्जामिनर पहला स्टेप ये फर्स्ट स्टेप है ये सेकेंड स्टेप है ये थर्ड स्टेप है और ये फोर्थ स्टेप में बच्चे के हेड को बाहर निकाला गया है तो सबसे पहले क्या करते हैं सबसे पहले बच्चे को फ्रीली हैंग। वर्ड याद रखना इसी तरह से एग्जाम में थेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा ठीक है यहाँ पे बच्चे को अपने वेट से फ्रीली होने देते हैं बेबी फ्रीली हैंग बाय ओन वेट देखो बच्चा फ्रीली बच्चा ऐसे ही लटक रहा है बच्चे को डिलीवर करके अपने वेट से फ्रीली हैंग होने के लिए छोड़ देते हैं उसके बाद पेरिनियल सपोर्ट देते हैं बच्चे के लेग को होल्ड करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं ये सेकेंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप ठीक है फिर बच्चे के लेग को होल्ड करते हैं पेरिनियल सपोर्ट देते हैं और इस तरह से डिलीवर कर देते हैं बच्चे के हेड को ठीक है तो बच्चे के हेड को डिलीवर करने का ये जो मेथड होता है इसी को बोला जाता है बर्न मार्शल मेथड ठीक है आपके सामने जो इमेज है इसका एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है सबसे पहला पॉइंट यही है बेबी फ्रीली हैंग बाय ओन वेट देन क्या करते हैं हम बच्चे के लेग को होल्ड करते हैं पेरिनियल सपोर्ट देते हैं और उसके हेड को डिलीवर कर देते हैं जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है इसी मेथड को बोला जाता है बर्ड मार्शल मेथड यहाँ पे अच्छे से और क्लियर दिखाया गया है दिस इज द फर्स्ट स्टेप दिस इज द सेकेंड स्टेप दिस इज द थर्ड स्टेप एंड दिस इज द फोर्थ स्टेप ये चार स्टेप है इसके अकॉर्डिंग बच्चे को कैसे कैसे डिलीवर करते हैं फ्रीली हैंग हो रहा है फिर उसके लेग को होल्ड कर रहे हैं फिर सपोर्ट दे रहे हैं और फिर बच्चे को डिलीवर कर रहे हैं ठीक है ये कौन सा मेथड है ये आपका बर्ड मार्शल मेथड बर्ड बर्ड मार्शल मेथड अब बच्चे बोले लॉप सेट बता दो ये सारे बता दो मैं देखो बता देती हूँ आपको ब्रीच प्रेजेंटेशन के सारे मैन्यूबर बता देती हूँ ब्रीच प्रेजेंटेशन में ब्रीच प्रेजेंटेशन में याद रखना जब बच्चा ब्रीच में होता है तो सबसे पहले क्या डिलीवर करना होता है उसका 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 बटक्स बटक्स और अगर अगर डिलीवर डिलीवर नहीं नहीं हो रहा नहीं हो रहा रहा है है लेग्स तो हम क्या करते हैं ग्रोइंग ट्रैक्शन देते हैं क्या देते हैं ग्रोइंग ट्रैक्शन देते हैं या फिर जो मेन्यबर यूज करते हैं उसका नाम है पिन्नार्ड मेन्यूबर पिन्नार्स यूज करते हैं जिसमें बच्चे के पॉपुलिटियल फोसा पे टैप करते हैं और फिर बच्चे और शोल्डर को डिलीवर करना है कौन से प्रेजेंटेशन की बात हो रही है भाई साहब ब्रीच प्रेजेंटेशन की बात हो रही है याद रखना कोई भी मैक रॉबर्ट नहीं बोलेगा ब्रीच प्रेजेंटेशन के अंदर शोल्डर को डिलीवर करने के लिए यूज किया जाता है लॉबसेट मैन्यूबर सेट ट यूज़ करते हैं और लॉब सेट मैनुअबर के अंदर जैसे हम किसी बच्चे को प्यार लव करते हैं तो एक बार लेफ्ट टर्न एक बार राइट right टर्न इस तरह से हम बच्चे को क्या करते हैं टर्न करते हैं तो इस आपने लेफ्ट टर्न किया इंटीरियर शोल्डर राइट टर्न किया पोस्टीरियर शोल्डर इस तरह से बच्चे के दोनों शोल्डर को आप डिलीवर कर देते हो और इसे बोला जाता है लॉब सेट और थर्ड अब बच्चा बच्चे का हेड डिलीवर करना और बच्चे के हेड को डिलीवर करने के लिए जो मोस्ट कॉमन ऐसा नहीं है एक ही होता है बहुत सारे होते हैं लेकिन जो मोस्ट कॉमन मेथड होता है वो होता है बर्ड मार्शल मेथड कौन सा होता है डियर बर्ड मार्शल मैन्यूवर का यूज किया जाता है ये सब ब्रीच प्रेजेंटेशन के अंदर है और सेफालिक प्रेजेंटेशन में मैंने एक बता दिया कि सेफालिक प्रेजेंटेशन में बच्चे के हेड को डिलीवर करने के लिए सॉरी बच्चे के शोल्डर को डिलीवर करने के लिए मैक्रोबर्ट्स मैन्यूवर यूज करते हैं ओके चलो ये क्वेश्चन का आंसर सबको देना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिगर ऑनसेट ऑफ लेबर ऑनसेट ऑफ लेबर का टॉपिक सबने पढ़ा हुआ है कि लेबर की शुरुआत कैसे होती है लेबर का ऑनसेट कैसे होता है कौन सा फैक्टर ट्रिगर फैक्टर की तरह काम करता है एसीटीएच इन फीटस प्रोस्टाग्लैंडिन या फिर ऑक्सीटोसिन कमेंट बॉक्स में सबको अपना आंसर लिखना है फास्ट 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 कमेंट बॉक्स में लिखना है अभी तो असली उड़ान बाकी है अभी तो असली उड़ान बाकी है परिंदे का इंतहान बाकी है अभी तो लांघा है समंदर अभी तो पूरा आसमान बाकी है भाई साहब जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर कर फास्ट, फास्ट फास्ट टाइम खत्म हो गया टाइम खत्म हो गया आप तो सुनते रहते हो हाँ अब भी लिख रहे हैं बच्चे देखो यहाँ पे हम सही आंसर देख लेते हैं कितने बच्चों ने किया है होप सो 49 बच्चों ने क्यों भाई लेबर नहीं पता क्या चंदा निशा और मौसमी फर्स्ट थर्ड पे आए हैं बोला है ऑनसेट ऑफ लेबर मैंने हमेशा बोला टॉपिक को ध्यान रखो हम ऑनसेट ऑफ लेबर कब बोलते हैं जब एक बच्चा कब टर्म पे पहुंच जाता है टर्म का मतलब जब बच्चा थर्टी सेवन वीक्स को क्रॉस कर लेता है या थर्टी सेवन वीक्स पे होता है तो सबसे पहले मैंने बताया था फीटस के हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा और वहां से सिक्रीशन किसका होगा बताओ बच्चे के हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करेगा और वो स्टिमुलेट करेगा आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस सबसे पहले हाइपोथेलेमस का स्टिमुलेट होता है जब बच्चा टर्म पे पहुंचता है और हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कहता है भाई साहब स्टिमुलेशन क्यों कर रहे हो बोलते भाई टाइम आ गया टाइम आ गया कर दे हॉर्मोन्स का सिक्रीशन और वो क्या करता है एसीटीएच का सिक्रीशन कर देता है एडीनो हार्मोन का सिक्रीशन करता है कहां से होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रियट हुआ एसिडी ये कहां पे जाके एक्ट करेगा फीटस के एड्रीनल ग्लैंड पे जाके एक्ट करेगा और फीटस के एड्रिनल ग्लैंड में भी एड्रिनल कॉर्टेक्स या मेडुला तो एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा और यहाँ से सिक्रीशन किसका होगा कोर्टिसोल कॉर्टिसोन कॉर्टिकोस्टिरोन डीएचईए सल्फेट ये सारी चीजें वहां से रिलीज होंगे और ये कहाँ पे जाके एक्ट करेंगे एक्ट ऑन प्लेसेंटा ये प्लेसेंटा पे जब एक्ट करेंगे स्टेरॉइड का सिक्रीशन ज्यादा बढ़ जाएगा तो प्लेसेंटा क्या करता है इस्ट्रोजन का सिक्रीशन करने लग जाता है और इस्ट्रोजन जब हाई होगा तो बढ़ा हुआ इस्ट्रोजन का लेवल ही क्या करता है ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन करवा देता है जैसे ही ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा वैसे प्रोजेस्ट्रॉन कम होगा कम हुआ तो डिस्कंटीन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी होगा ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन बढ़ा देगा ऑक्सीटोसिन के जो रिसेप्टर है उसको बढ़ा देगा टू हंड्रेड टाइम ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन का रेशो अल्टर हो जाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस होने लग जाएगा दिस ऑल लीड टू कॉन्ट्रेक्शन ऑफ यूट्रस यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा फीमेल को स्ट्रॉन्ग पेन होगा और उसी को हम बोलते हैं लेवर पेन और लेवर की शुरुआत हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पे मदर का एसीटीएच नहीं भाई साहब यहाँ पे फीटस का एसीटीएच एक ट्रिगर फैक्टर की तरह काम करता है ठीक है और उसके बाद ही प्रोस्टाग्लैंडिन या ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन होता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन या ऑक्सीटोसिन कोई ट्रिगर फैक्टर नहीं एसीटीएच इन द फीटस जो है वो एक ट्रिगर फैक्टर की तरह काम करता है इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या जाएगा बी और आज के सेशन का मैं एक लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने रख रही हूँ और इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कल हम बाकी के बचे हुए जितनी भी एबनॉर्मैलिटी है और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स बच गए हैं इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम वो कल की ओबीजी के मैराथन सेशन में कंप्लीट करेंगे तो आज के मैराथन सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है हर एक स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए आइडेंटिफाई द नेम ऑफ ब्लैक कलर टैबलेट्स सोन इन द गिवन इमेज इस इमेज में कुछ ब्लैक कलर की व्हाइट टैबलेट्स और ब्लैक टैबलेट्स दिखाई गई हैं तो जो ब्लैक कलर की टैबलेट्स हैं वो किसको इंडिकेट करता है फेरस सल्फेट फेरस फ्यूमरेट फेरस कार्बोनेट या फॉलिक एसिड कमेंट बॉक्स में ए बी सी डी के फॉर्म में हर एक बच्चे को आंसर करना है और हम रिजल्ट का एनालिसिस पांच मिनट के अंदर करेंगे कौन सा बच्चा आज की क्लास में फर्स्ट सेकेंड और थर्ड आया है ठीक है भाई चलो तो पहले इसका आंसर कर दो जल्दी से जल्दी इमेज तो देख लिया होगा आपने यस माला एन की टैबलेट्स हैं और उसी के पत्ते को निकाल के बाहर दिखाया गया है माला एन की टैबलेट्स के पत्ते को ही बाहर निकाल के दिखाया गया है चलो भाई देख लेते हैं ब्लैक कलर की टैबलेट्स यहाँ पे जो टैबलेट्स है वो कितनी टैबलेट्स है टोटल ट्वेंटी एट टैबलेट है कितनी टैबलेट्स है टोटल ट्वेंटी एट टैबलेट्स है इस ट्वेंटी एट टैबलेट्स में जो ट्वेंटी वन टैबलेट होता है वो हॉर्मोनल टैबलेट होता है वो क्या होता है डियर हार्मोनल टैबलेट होता है इसमें जो सेवन टैबलेट्स होता है ये आयरन के टैबलेट्स है ठीक है जिससे फीमेल की कंटिन्यूटी बनी रहे और बीच में गैप ना आए इसलिए आयरन आयरन के टैबलेट्स टैबलेट्स को tablets, की टैबलेट जो कि ब्लैक कलर की होती है और ये हमारा क्या होता है फेरस फ्यूमेरेट होता है क्या होता है डियर फेरस फ्यूमेरेट के फॉर्म में होता है कार्बोनेट नहीं होता फॉलिक एसिड नहीं होता फेरस सल्फेट नहीं होता है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बी जिसमें 58 परसेंट बच्चों ने ही सिर्फ सही आंसर दिया था फर्स्ट में अर्पण मोहित और रिफात आरा ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं तो आपको पता चल गया इस माला एन को फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई किया जाता है फ्री ऑफ ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लेकिन जो माला डी होता है इस माला डी को आपको बाहर से परचेस करना पड़ता है बाहर से परचेस करना पड़ता है दोनों के अंदर कंटेंट सेम होता है याद रखना दोनों के अंदर कंटेंट सेम होता है लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और दूसरा जो माला डी होता है इसे हमें परचेस करना पड़ता है आगे डायग्राम देख लो ये है माला डी ये है माला डी और ये है माला एन माला एन कैसे किया जाता है नॉट फॉर सेल फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई किया जाता है दोनों में टैबलेट्स क्या होते हैं 28 एट टैबलेट्स ही होते हैं 28 एट टैबलेट्स ट्वेंटी हार्मोनल टैबलेट्स और सेवन टैबलेट किसके होते हैं फेरस फेरस्यूमेरिट ठीक है भाई फेरस यहाँ पे देखो नाम में लिखा भी है यहाँ पे लिखा भी है फेरस फ्यूमरेट होता है क्या होता है फेरस फ्यूमरेट लेकिन एग्जामिनर एम्स दिल्ली वाला कभी भी आपको लिखा हुआ तो नहीं देगा हमेशा देगा कि रैपर दे दिया नाम बताओ रैपर दे दिया है नाम बताओ ठीक है भाई और 21 जो टैबलेट्स है हार्मोनल टैबलेट इस हार्मोनल टैबलेट में आपसे कंटेंट पूछा जाता है तो इसमें होता है इस्ट्रोजन

कंबाइंडली हार्मोनल टैबलेट्स है और जो ब्लैक कलर के फेरस फैरसरेट है ये कौन सी है आयरन की जो टैबलेट्स दी हुई है आई होप सो आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी क्लियर है भाई समझ में आ गया तो आज के सेशन में हमने जो क्वेश्चंस किए हैं सो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा और आपके ओबीजी के रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा अब हम रैंकिंग अगर देख लें सबसे चलो रैंकिंग देख लेते हैं ये पोल क्यों स्टार्ट हो गया मैंने कर दिया क्या चलो यहां पे रैंक देख लेते हैं देखो आज की क्लास में फर्स्ट जो आए हैं उस पे है आलिया आलिया सैयद फर्स्ट नंबर पे है जिन्होंने 37 क्वेश्चन में 29 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है अंकित व्यास जिसमें 37 क्वेश्चन में 26 क्वेश्चन का आंसर दिया है रैंक नंबर सेकंड पे मोहित जो 33 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन का सही आंसर दिया आप देख सकते हैं यहां पे रैंक फोर्थ पे है अनन्या पांच पे कोयल मौसमी रीमा सेवन नंबर पे एट पे मानसी आसवा नाइन पे नवीन दस पे बाकी सब अपना देख लो दस लोगों का ही नाम लिया जाएगा इससे ज्यादा नहीं लेंगे ठीक है अर्पण शिवानी स्टोरी अंतारा पूजा अर्नब देवरुण दीपिका चंदा सब अपने रैंक को देख लो और स्क्रीन ले लो भाई साहब जल्दी जल्दी क्योंकि अपना इवेलुएशन करना बहुत जरूरी है और यहाँ पे ये भी लिखा है कि आपने कितने सेकेंड में क्वेश्चन आने के कितने सेकेंड में आपने आंसर कर दिया है यहाँ पे कितने सेकेंड में आपने आंसर किया सबका नाम है जिसने अगर एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा ना सबका नाम यहाँ पे होगा सैफुल्ला अनु तन्वी वर्षा पिंकी मुनाजा रश्मि वर्षा देख लो भाई साहब कौन सी रैंक पे आ रहे हो आप ठीक है तो यहाँ पे आपका पूरा रैंक है आप क्या कर सकते हो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हो 61 से लेकर ये 70 तक का है फिर ये 71 से लेकर 80 बच्चों का है फिर ये 80 से लेकर 90 बच्चों का यहाँ पे दिया हुआ है जिन्होंने क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए 90 से लेकर ये 100 बच्चों का है 100 से लेकर ये 110 बच्चों तक का है ये आपका पूरा 120 तक ये आपके 128, 130, 135, 140, 150 चलो इसको बाद में भेज दिया जाएगा जिससे आप अपने रैंक को अच्छे से देख सकते हो इसका इवेल्युएशन कर सकते हो कितने सेकंड में किया है कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं आज की क्लास में अगर 40 क्वेश्चन कराया गया है तो उसमें आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं सारा आपका जो रिकॉर्ड है यहाँ पे आ गया हमारे पास और इस रिकॉर्ड से आप अपना इवेल्युएशन कर सकते हो कि इन 200 बच्चों या 300 बच्चों में हमारी रैंक पे है है ठीक भाई भाई साहब साहब ये ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा कितने हैं हैं बहुत बहुत सारे भाई बहुत सारे कहासठ है। बच्चे हैं ठीक है इकसठ बच्चे हैं तो स्टार्टिंग वालों का मैंने दिखा दिया बाकी सब देख लेना फर्स्ट सेकेंड थर्ड वालों का थोड़ा सा देख लेते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड वालों को कंग्रेचुलेशन आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया बहुत कम टाइम में बहुत क्वेश्चंस को किया है लेकिन मेरा यही कहना रहेगा जो आपकी गलती हुई है आलिया अंकित और मोहित फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे है तो वो थोड़ा सा और अच्छे से करें और आपको ये सेशन कैसा लगा क्या आपको हेल्पफुल लगा या नहीं जरूर से जरूर बताना हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो हार जाओ चाहे जिंदगी हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ फिर भी जीतने का उम्मीद जिंदा रखो गलती हुई कोई बात नहीं कोशिश हमेशा ज्यादा करनी चाहिए ठीक है जीतेंगे हम ये वादा करो करो कोशिश हमेशा ज्यादा किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे मजबूत इतना इरादा करो ठीक है भाई तो चलो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं मिलते हैं फिर कल आपसे थैंक यू सो मच एंड बाय केयर